सीबीएसई के पैटर्न चेंज होने के बाद ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि सीबीएसई किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछने वाली है। हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। इसी पैटर्न को समझने के लिए हमने ज्ञानिकीडा के प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया सैंपल पेपर की सीरीज, जहां पर हम 5 लेटेस्ट सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने किया था लेटेस्ट सैंपल पेपर 1, और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं साइंस के सेकंड लेटेस्ट सैंपल पेपर को कंप्लीटली सॉल्व, ऐसे देन थर्ड, देन फोर्थ, देन आपका फिफ्थ है। सैंपल पेपर इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपका एक माइंडसेट बन जाए कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाले हैं, ताकि जब एग्जाम पे जाओ तो वो पूरा माइंडसेट आपके यहां पर हो और आप सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। ऐसा ना कि वहां जाके आप पहले रीड कर रहे हो इंस्ट्रक्शन, ना, आपको इस सैंपल में जब भी सॉल्व करोगे हमेशा इंस्ट्रक्शन देखो अच्छा कि 14, 15, 16 एसेशन रीजन है, उसके आपके एमसीक्यूज हैं, तो इस पैटर्न को कंप्लीटली यहां आपको फ्रेमवर्क करना है। यही है फायदा सैंपल पेपर का। और सेशन के दौरान मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं, उन सभी के आंसर कमेंट सेक्शन जरूर देना। बाकी उसकी पीडीएफ और इसकी पीडीएफ दोनों के दोनों में ज्ञानिकीडा की एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर दूंगा, तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में प्ले स्टोर में जाकर ज्ञानिकीडा की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ, तो स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर 2 को, और एक एक करके पहले सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, फिर सी और डी को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा पेपर है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस पेपर को सॉल्व करने से पहले आपने सैंपल पेपर 1 कंप्लीट कर लिया हो। अगर नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उससे पहले कंप्लीट कर लेना। कर चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा पहला नन्ना सा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस whose power is माइनस का 4 डायोप्टर, माइनस का 4 डायोप्टर साइन को ध्यान से देखा जाए। पहला क्वेश्चन यही है, अगर साइन नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि सर पक्का इसका फोकल लेंथ भी कैसा होगा, नेगेटिव ना, बिकॉज अगर पावर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा, और फोकल लेंथ नेगेटिव किसका होता है, ध्यान से देखा जाए फिगर को, एक आपके पास है कॉन्वेक्स लेंस और एक आपके पास है कॉनकेव लेंस है। अगर ऑप्टिकल सेंटर से इसे, वो मानो इसे ऑप्टिकल सेंटर से लेकर अगर देखा जाए ये डिस्टेंस को, तो ये कैसा होगा सर, ये नेगेटिव होगा, और ये कैसा बच्चा आपका, ये होगा पॉजिटिव है। तो डैम श्योर है ये, अगर पूछा जाए इस लेंस का नेचर क्या, इसका पावर माइनस 4 डायोप्टर है, तो आंसर क्या बोलते सर, कॉनकेव है। लेकिन ये नहीं पूछा, बोलोगे सर एज वी ऑल नो पावर इक्वल टू 1/f है, ध्यान देना इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तब करना जब मीटर पे हो, परफेक्ट है। तो अब f क्या हो जाएगा यहां से, और f हो जाएगा आपका 1/p, तो बच्चे 1/p कितना आपका माइनस का 4 है, जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 0.25 मीटर, परफेक्ट है। और इसी को चेंज कर सकते हो सेंटीमीटर पे, 1 मीटर पे 100 सेंटीमीटर है, तो 0.25 कितना होगा, 25 सेंटीमीटर माइनस का आएगा। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो गिवन लेंस है वो कैसा है, कॉनकेव लेंस है, परफेक्ट है। आगे बढ़े, चलो क्या बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। और हाँ एक और क्वेश्चन है, मुझे बताना कि इसमें और इसमें ए मान लो से और बी है, ए और बी किसका फोकस जो है वो वर्चुअल होगा, किसका वर्चुअल फोकस है, इसका आंसर दे। बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, उन सभी के आंसर एक एक करके कमेंट सेक्शन देते आना। जब वीडियो देख रहे हो क्वेश्चन मैंने दिया तो आप इसका आंसर दो, फिर आगे बढ़ते जाओ आगे चलना। अब करते हैं इसी के और पे था, व्हाट कैन यू से अबाउट द साइज ऑफ द इमेज इफ द वैल्यू ऑफ इट्स मैग्निफिकेशन इज 1 है। अब बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ते तो क्या बोलेंगे कि सर पक्का अगर मैग्निफिकेशन 1 है ना, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वही आपकी इमेज की हाइट होगी। हाँ मैं मानता हूं, पर लेकिन इसके साइन को भी ध्यान से देखा जाए, अगर यहां पर क्या साइन मेंशन है, साइन मेंशन नहीं है, तो यहां पर अगर साइन मेंशन ना हो तो अपने हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव मत मान लेना ठीक है। बस 1 बोला गया है, अगर मैग्निफिकेशन 1 है, इससे बस ये आइडिया मिलता है कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो इमेज के हाइट के इक्वल होगा। एक बार ध्यान से इन तीनों फिगर को देखा जाए, इन तीनों फिगर में है क्या आपके पास, जो ये है प्लेन मिरर के केस में हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए चाहे कितने भी डिस्टेंस पे हो, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट इक्वल होती है। तो क्या यहां से ये बोल सकता हूं कि m यहां पर 1 होगा, यस सर। यहां पर आ जाओ बच्चे, यहां पर कैसा सेम वही कहानी है, ऑब्जेक्ट जब कॉन्वेक्स लेंस में f2 f1 रखा होता है उस केस में इमेज कहां बनता है आपका, f2 बनता है। और देखो दोनों की हाइट सेम है ना, यहां भी m कितना होगा 1, m की जो मैग्नीट्यूड वो 1 होगा, साइन को मत बोलना, ठीक है, साइन प्लस माइनस आप बता नहीं सकते यहां पर। और सेम यहां पर क्या है, इस केस में भी m क्या होगा आपका 1 होगा। अब मुझे बताओ कि यहां पर, अब मेरा आपसे अब क्वेश्चन है, आंसर हो चुका है कि सर इसका मतलब ये है कि हाइट ऑफ एन इमेज इक्वल टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन ये सोच के बोला इस केस में
मैग्निफिकेशन कैसा होगा, कैसा होगा माइनस में कि प्लस में, तो आंसर कैसा नेगेटिव होगा। क्यों? बिकॉज कैसा आपका रियल, और रियल इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन के लिए हमेशा नेगेटिव आती है। यहां पर सेम वही कहानी है, इन्वर्टेड है, तो एम कैसा आपका नेगेटिव, लेकिन 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 इस केस में मैग्निफिकेशन कैसा होगा आपका प्लस का वन है। सारी बातें कनेक्टेड है, एक भी बात को मिस नहीं करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ है। ओके, सेकंड थर्ड इकट्ठे आ गया, ओके परफेक्ट है। तो सेकंड क्या कह रहा है आपसे, सेकंड आपसे कह रहा है इफ अ रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर along the principal axis, what will be the path of its reflected ray? Question को read करने के बाद मैं damn sure है 100 में से 90 बच्चे ये बोलेंगे कि सर ये principal focus से pass हो जाएगा, क्योंकि लगता भी ऐसा ही कुछ है कि अगर कोई ray of light principal axis के पहले आ रही हो तो टकराने के बाद principal focus ही निकल जाएगा। लेकिन question को ध्यान से पढ़ो बेटा। If a ray of light is falling on a concave mirror along the principal axis, I think figure है, अच्छा अच्छा figure नहीं मेरे पास, one second, okay okay perfect, अच्छी आ जाओ। तो ये कुछ ऐसा कह रहा है कि आपके पास क्या है, ध्यान देना आपके पास क्या है, आपके पास है कॉनकेव मिरर है। आपको लग रहा है आपके हिसाब से, मतलब मुझे वैसे जब मैंने फर्स्ट टाइम रीड किया मुझे ऐसे कुछ लगा कि आपके पास ये प्रिंसिपल फोकस है और ये सेंटर का विचार है कि रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही। ना 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 ना, रे ऑफ लाइट ऐसे नहीं आ रही, ध्यान देना। रे ऑफ लाइट कैसे आ रही थी, वो आ रही है आपके, बोलो क्या, वो आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, अलोंग मतलब कुछ ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। और कुछ याद आया, जब भी ऐसा आता ना तो जैसे आया था वैसे ही वो चला जाता है, परफेक्ट है। तो क्या होगा सर, वो जैसे आया था ना उसी रास्ते को रिट्रेस कर लेगा, उसी रास्ते को रिट्रेस कर लेगा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इस केस में एंगल आर कितना होगा? डैम श्योर है सर 0 degree ना, तो ये लिखो क्या, लिखो क्या, इट विल पास अनडेविएटेड एंड हेंस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज व्हाट, 0 चलेगा, यस यू नो क्या, ओके ओके। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मुझे बताओ कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट आपके सरफेस से जो प्लेन मिरर है उससे 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इस केस में एंगल आर कितना होगा? आंसर जरूर देना। अब प्लीज ब्लाइंडली ये मत बोलना कि सर वो 60 है तो ये भी 60 होगा, सोचना कि ये सरफेस से 60 है, ध्यान देना ये जो इंसिडेंट रे वो सरफेस से 60 है, बाकी आप कर लोगे। अब बढ़ते हैं इसी के लिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ है। थर्ड क्या कह रहा है, ब्लू कलर लाइट इज नॉट सुइटेबल टू बी यूज एज डेंजर सिग्नल्स, राइट द रीजन। मुझे पता है कि डेंजर सिग्नल्स के लिए रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, उसका रीजन क्या है, बिकॉज रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, वेवलेंथ का ज्यादा होना, स्कैटरिंग का कम होना, तो स्कैटरिंग कम होगी तो आपकी जो रेड लाइट है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी और डेंजर सिग्नल बहुत दूर से आप जो है जज कर सकते हो। लेकिन कह रहे ब्लू का क्यों नहीं करते, इसी का उल्टा रीजन है। कुछ लोग क्या, यहां ध्यान से देखो, ये आपके पास क्या है, ये स्पेक्ट्रम है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, चलेगा। सबसे ज्यादा अगर आप नीचे जा रहे हो ना वायलेट से रेड की तरफ जाते समय क्या हो रहा है, आपका जो वेवलेंथ है, जिसको वेवलेंथ को किससे दिखाते हैं, वेवलेंथ को डिनोट किया जाता आपके लैम्डा से, तो लैम्डा वायलेट से रेड की तरफ जाने पर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है वेवलेंथ, क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है वेवलेंथ का, इंक्रीज होना वेवलेंथ का, इंक्रीज होना ध्यान देना, स्कैटरिंग का डिक्रीज होना, वेवलेंथ का इसका इंक्रीज होना और स्कैटरिंग, जो स्कैटरिंग होगी वो क्या होगा, वन सेकंड जो स्कैटरिंग होगी परफेक्ट है, जो आपकी जो स्कैटरिंग होगी वो क्या होगा, स्कैटरिंग आपकी डिक्रीज होगी, चलेगा परफेक्ट है। तो अब हो जाओ, तो आप मुझे बताओ कि आपका जो ब्लू है, चलिए ना ब्लू है, तो ब्लू का वेवलेंथ कम है, ब्लू का वेवलेंथ, आप बोलो रीजन क्या है कि सर जो ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट के लिए इसका जो वेवलेंथ है, इसका जो वेवलेंथ है बच्चा कैसा है, वेवलेंथ सर सर कम है। वेवलेंथ का कम होना आप खुद सोचना, स्कैटरिंग का ज्यादा होना, अगर स्कैटरिंग ज्यादा होगी तो क्या ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, और यही रीजन आप बोलोगे ब्लू लाइट हैज स्मॉल वेवलेंथ है, ड्यू टू दैट इट विच स्कैटर्स द मोस्ट, तो नहीं बोलूंगा लेकिन स्कैटर्स द मोर, और इसी वजह से ब्लू कलर लाइट इज नॉट सुइटेबल टू बी यूज्ड एज डेंजर सिग्नल, परफेक्ट है। एक आपसे क्वेश्चन है कि जब किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास कराया जाता है, ऐसा कौन सा लाइट है जो, ऐसा कौन सा कंपोनेंट ऑफ ये जो वेवग्योर है जो कि सबसे कम डेविएट होता है, डेविएट द लिस्ट, आंसर जरूर देना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ, वी कैन ऑब्जर्व द स्टार्स ट्विंकलिंग, ओके परफेक्ट है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, चाची लाइक महंगी कार है ना, एंड प्लेनेट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई, व्हाट विल बी आवर ऑब्जर्वेशन इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में स्टार ट्विंकल नहीं करते, वो तो ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, और इसी ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से हमें स्टार ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। सर ये ऑप्टिकल इल्यूजन क्या है, इसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर, चैप्टर नंबर 11 को ग्रेट डिटेल में हर एक पार्ट को डिस्कस किया हुआ है। एक्चुअली में होता क्या है कि फिगर को देखो, कुछ फिगर है यहां पर, परफेक्ट है, ठीक है, आपके पास है क्या, ये रहा स्टार, ये रहा आपके पास स्टार है, ठीक है। अब स्टार क्या है कि स्टार से आती, स्टार से जो
जो लाइट आ रही है, कुछ ऐसे लाइट आ रही है, ऐसे लाइट आ रही है, जो लाइट आती है और जैसे ही ये अर्थ के एटमोस्फियर में एंटर करता है, ये अर्थ के अंदर नहीं है, ऐसा कुछ होगा कि सर बच्चा अर्थ के अंदर, नहीं नहीं वो ऐसा फिगर बन गया है, तो जैसे ही वो अर्थ के एटमोस्फियर में एंटर करता है, अर्थ के एटमोस्फियर में जैसे ही एंटर करेगा, तो मुझे बताओ क्या होगा कि अर्थ का जो एटमोस्फियर क्या वो यूनिफॉर्म है? नहीं सर। कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो अलग अलग जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? अलग अलग। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो लाइट क्या होगा? सर लाइट में कुछ रैंडम ना, लाइट में रैंडम डेविएशन होगा, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां यहाँ, इससे क्यों? कभी टुवर्ड्स नॉर्मल कभी अवे। और ध्यान देना, जब नीचे आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इंक्रीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंक्रीज होना मतलब कि रेयर से डेंसर और डेंस होता चला जा रहा है जब वो एटमोस्फेयर के अंदर एंटर कर रहा है। परफेक्ट है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया, इसे ध्यान रखना, परफेक्ट है। तो हुआ क्या, तो जब कुछ ऐसा हुआ तो लाइट यहां पहुंच गया। अब जो ऑब्जर्वर अर्थ के ऊपर है उसे क्या लगेगा? इसको पीछे खींचो करते 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 यहां पर, मतलब इस ऑब्जर्वर को ये लग रहा है कि ये जो स्टार एक्चुअल में यहां पर है वो उसको यहां दिखेगा, चलेगा, परफेक्ट है। सेम बचे गया, कुछ देर बाद वही स्टार को यहां दिखेगा। तो ऐसा माना कि देखो, मान लो सपोज ये स्टार है, तो आप देखो इसे, अब ये स्टार ऐसे 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 कुछ हो रहा है, क्यों? बिकॉज रिफ्रैक्टिवनेस लगे, तो बार बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो आप देखो, ऐसे लग रहा है कि पोजिशन चेंज कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ लाइट जला दूं तो लगे कि लाइट यहाँ 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 यहाँ, तो ऐसा लगे कि लाइट फ्लिकर कर रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, परफेक्ट है। और एक और कहानी क्या है कि मान लो कि पहले इस ऑब्जर्वर के पास जब टाइम 0 सेकंड है तो वहां से 6 rays ऑफ लाइट पहुंच गई, तो जब 6 पहुंचा, उसके बाद कुछ ही इंस्टेंट बाद 5 पहुंचा, फिर कुछ इंस्टेंट बाद 6, फिर 4 है। तो जब अगर ऐसा होगा तो 6 वाले केस में इस ऑब्जर्वर को स्टार कैसा दिखेगा? ब्राइट और ये डिम, ये आपका ब्राइट, ये आपका डिम, ये ब्राइट डिम, ब्राइट डिम, ब्राइट डिम, क्या हो रहा है ना, ऐसे लगा कि ट्विंकल सा हो गया। यस एग्जैक्टली। तो आप क्या बोलोगे? सर ये पॉसिबल है एटमोस्फियर की वजह से, लेकिन कह रहा है कि एटमोस्फियर को छीन लो, अगर आप अर्थ से एटमोस्फियर को छीन लोगे तो मुझे बताओ क्या ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होगा? नहीं होगा सर। तो आप बोलोगे व्हाट विल बी आवर ऑब्जर्वेशंस इफ देयर इज नो एटमोस्फियर, इफ देयर इज नो एटमोस्फियर अराउंड अर्थ देन स्टार विल नॉट ट्विंकल। परफेक्ट है, ये ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं होगा। और प्लैनेट्स के प्लेनेट्स तो ट्विंकल करते नहीं है, तो वैसे ही लगे, बस थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा उसका ऐसा लगेगा कि प्लेनेट ना एक जगह फिक्स हो गया है, और जो खर्च हल्का सा करते रहिए वो ट्विंकल नहीं करेंगे, और उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, जो प्लेनेट की जो जो मतलब ब्राइटनेस है ना वो थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कह रहा है? ओके, केमिस्ट्री से पूछा गया है। केमिस्ट्री तो फेवरेट है। केमिस्ट्री को मैं कहने केमिस्ट्री को केमिस्ट्री चाची का नाम दिया हुआ है। 2 consecutive members of a homologous series important बनता है। Have a difference of CH2 in molecular formula. Take an example of alkenes and explain this property. Very simple. आप बताइए homologous series क्या है? परफेक्ट है कि मान लो कि आपके पास कोई ना कोई मेंबर है, कोई आपका ए बी सी और डी और ई है। सबसे पहली बात तो जो मेंबर्स है इन सब की जो परिवार है, इन सब का जो फैमिली है वो सेम है। फैमिली मतलब क्या कि मान लो कि अगर ये अल्केन फैमिली का है तो सारे के सारे अल्केन ही होंगे, और अगर एक ही फैमिली का, अगर एक ही फैमिली के हैं तो सेम जनरल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करेंगे। बात कर रहा अल्केन्स की, अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n है। परफेक्ट है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, देखो मुझे पता कि अल्केन का फर्स्ट मेंबर आपके मन में आ रहा होगा सर मिथिन होगा, ना 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 ना, मिथिन नहीं होता, इथिन होता है, ठीक है। तो मान लो AHA के आपका C2H4 है, पुट करो, इस N में 2 पुट करना, 1 पुट नहीं करना, बिकॉज़ 1 अलग एग्जिस्ट नहीं करता, तो N2 किया तो C2H4, फिर N3 किया C3H6, फिर N आपका 4 किया तो C4H8, कहानी ऐसे बढ़ती है ना, फिर C5H10 है, परफेक्ट है। आपसे क्या पूछा हुआ, देखो आप बताओ यहां से आप यहां पर जाओ कितने का फर्क है, CH2 का, सेम वही कहानी है, यहां से यहां पर जाओ CH2 का, यहां से यहां पर जाओ CH2 का, कुछ कहानी ऐसे बढ़ती जाएगी, मतलब जो भी होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं वो CH2 यूनिट से डिफर करते हैं। दूसरी बात बोलो क्या है, ये आपका कौन है, इथीन, ये आपका है प्रोपीन, ये प्रोटीन, ये पेंटीन, और ये आपका हेक्सीन होगा, C6 आपका H12 है ना, परफेक्ट है। और अगर आपने क्लास 9th पढ़ा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ, मैं आपसे पूछूं बेटा निकालो क्या, निकालो मॉलिक्यूलर मास ऑफ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या, CH2 कैसे निकालोगे, C का 12 प्लस में ये 2 इनटू पे 1 होता ना, तो आप आएगा 12 प्लस में 2 प्लस इक्वल टू 14 यू, मतलब कि अगर इसका मास निकाला जाए, इसका मास, तो इसका जो ही मास आएगा निकालो, चाहे क्या C2 है तो पक्का 24 प्लस में 4 आपका 28 आएगा, यहां पर क्या आएगा 36 प्लस में 4 40, देखो चाहे दिख रहा है आपको क्या है,
नहीं 42, 36 बच्चा आपका, ये आपका बच्चा 1 सेकंड, ये 42 हो जाएगा। फर्क देखो, फर्क देखो, फर्क कितने हो गया? यस सर आपका 14 यू का ही फर्क होता है। परफेक्ट है, परफेक्ट है जनता। यस सर क्या है, दैट्स आंसर। आगे बढ़ा जाए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राइट वन प्रॉपर्टी एंड वन यूज ऑफ द सॉल्ट कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट। कुछ याद आया, कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट कुछ ऐसा दिखता है ये पाउडर। तो आप बोल सकते सर प्रॉपर्टी क्या है? सर प्रॉपर्टी ये है कि इट इज येलो इन, इट इज व्हाइट इन कलर, व्हाइट और येलो होते हैं, व्हाइट दिख रहा है, इट इज व्हाइट इन कलर, चलेगा, परफेक्ट है। और दूसरा बोलो क्या क्या लिखना है आपका, यूज लिखना है। ये सॉल्ट है कौन सा? सर ये सॉल्ट है वो आपके पास है, वो आपका है कैल्शियम। बोलो क्या, कैल्शियम सल्फेट, ये बात कर रहा है हेमिहाइड्रेट की। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को ये है क्या, ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? ये आपका है पीओपी का, है ना, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब बताओ इसका यूज क्या होगा? कि सर डॉक्टर्स यूज पीओपी टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन्स, है ना, फ्रैक्चर बोन्स को सपोर्ट करने के लिए पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। और पीओपी की मदद से डेकोरेशन की कोई टॉयज बनाते हैं, बहुत सारे यूज है, आप कोई से उठा सकते हो। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, प्लीज इसको नोट कर लो, बिकॉज यहाँ पर एक जो है स्लाइड एड होने वाली है। और मैं इसे रब कर रहा हूँ, 1 सेकंड, 1 2 3 रब कर दो, चलो ना, अब नोट कर लिया होगा, परफेक्ट है। चलो क्या, चलो क्या, चलो क्या, चलो 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 क्या, चलो एक क्वेश्चन के आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताओ इस पीओपी को, इस पीओपी को जिप्सम से बनाया जाता है ना, इस पीओपी को जिप्सम से बनाया जाता है, तो जिप्सम से पीओपी को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसकी स्टेटमेंट मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, इसी के और में था, 7th नहीं, इसी के और में 6th के। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्या, कॉस्टिक सोडा, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बाई क्लोर एल्कैली मेथड। ये क्या होता है सर? कुछ ऐसा कंटेनर होता है, और इस कंटेनर पे क्या ले रखा है आपने, इस कंटेनर पे ले रखा आपने सोडियम क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन। और इसी सोडियम क्लोराइड के एक्वियस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है आपका, भी फास्ट ब्राइन बोला जाता है। और यहाँ पर वाटर आपके पास है, अब यहाँ से क्या दे रखा आपने सर, दो आपके इलेक्ट्रोड है, तो पक्का यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। मतलब व्हेन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इस पास टू इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोज होगा, और क्या बन जाता है आपका, NaOH है, ये सोल्यूशन पे ही रह जाता है। और यहाँ पर दो गैस बनता है, कौन कौन सा, एक बनेगा Cl2 गैस प्लस में अपना हाइड्रोजन गैस बनता है, चलेगा। ध्यान से फिगर को देखो, ये क्लोरीन है, क्लोरीन गैस कहाँ बन रहा है बच्चे आपका, एनोड पर, और ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ बन रहा है आपका, कैथोड पे, परफेक्ट है। यस सर क्या है, तो आपका ये तो रिएक्शन है जिससे बन रहा है, बैलेंस कर दे, इसको बैलेंस किया जाए, बैलेंस किया जाए बेटा, इसको बैलेंस करते हैं। अब मेरे ख्याल से बैलेंस हो गया, चेक करना, हाँ मेरे ख्याल से बैलेंस हो चुका है, परफेक्ट है, परफेक्ट है चक्का, नहीं अभी नहीं हुआ, अब होगा बैलेंस, अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है, परफेक्ट चेक है। अब यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है, सुनना चाहोगे कि क्वेश्चन पूछा था विच गैस इज इवॉल्व एट द एनोड, और कौन सा गैस जो है कैथोड बनता है, बच्चे भूल जाते हैं, तो सुनो, ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है। मान लो कि मेरी दोस्त है कैटरीना, ठीक है, तो आप आए कि सर कैटरीना मैम का क्या हाई मिलेगा, तो मैंने आपसे क्या बोला, कल आना, मैंने क्या बोला आपसे, मैं बहुत ही रूड हूँ, तो कल आना, जो कल आना हाई करने, कल आना हाई करने, किसको किसको किसको, कैटरीना को, मैंने ऐसे आपसे बोला कि आपने सर मे आई हैव द सिग्नेचर ऑफ मैम प्लीज, तो मैंने बोला नहीं 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 ना ना बेटा, कल आना हाई करने। अब कमेंट बोलोगे सर कितने बुरे हो ना आप, ना कल से क्या है, कल से क्या बेटा, कल से है क्लोरीन, आना से क्या, आना से है एनोड, हाई से क्या, हाई से आपका है हाइड्रोजन, और कैट से क्या है, कैट से कैथोड है, कल आना हाई करने, परफेक्ट है। अब चेक किया जाए क्लोरीन कहाँ बनता है एनोड पे, चेक किया जाए ये रहा क्लोरीन एनोड, परफेक्ट है। और सेम हाइड्रोजन कहाँ कैथोड पे, चेक किया जाए, एंड दैट्स द परफेक्ट आंसर। अगर आपको ये अच्छा लगा जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन पे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आगे बढ़े चेक। और हाँ हाँ हाँ, आपसे कोई पूछे बताओ इस प्रोसेस को क्लोर एल्केली ही क्यों बोला गया, तो क्लोर आया है, क्लोर कहाँ से आया, क्लोर आया इससे, क्लोर आया आपका क्लोरीन से, और अल्केली कहाँ से आया बेटा आपका, अल्केली आया कुछ यहाँ से, बिकॉज ये ऐसा बेस है, ये ऐसा बेस है जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाता है, और दोस बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्केली, चलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, इट इज प्रीफरेबल टू यूज अ 3-pin plug, इट इज प्रीफरेबल टू यूज अ 3-pin plug फॉर अ डेजर्ट कूलर देन अ 2-pin plug, राइट द रीजन है। ध्यान से देखा जाए, ध्यान से, ये कुछ कूलर है, अच्छे क्या आपने देखा, अच्छे क्या है, यहाँ पर 3 pins होते हैं, देखो आपके ए, आपको जो आपने देखा होगा कि नॉर्मली यहाँ पर तो नहीं है, जैसे ना दिख रहा है आपको, जैसे उसके 2 pin से चार्जर की, वैसे उसके 3 होती हैं, तो सोचो 3 क्यों होती है, आपने सुना होगा ऐसे ना, ये बहुत ही कॉमन है कि सर उससे अर्थिंग होती है, कि मान लो कि ये जो बड़े बड़े जो एपरेटस होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, कि अगर यहाँ पर क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किट की वजह से ज्यादा करंट फ्लो हो जाए, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो अर्थिंग की जो वायर होती है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होती है, तो जो भी एक्स्ट्रा करंट होगा वो ग्राउंड पे चला जाता है ना, परफेक्ट है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, तो आप बोलोगे यस एग्जैक्टली, इससे आपको शॉक नहीं लगेगा, तो टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक्यूशन इन
केस देयर इज एन इलेक्ट्रिसिटी लीकेज टू द मेटल बॉडी है। अब प्लीज इस पिक्चर को देखा जाए, वैसे ये पिक्चर जो है सीबीएसई ने डिलीट कर दिया, लेकिन देखो अच्छा ठीक है। आपके पास क्या, मुझे पता है घरों के कनेक्शन कौन सा होता है, पैरेलल है। आपसे मेरा क्वेश्चन भी है कि बताओ कि हाउस होल्ड सर्किट पैरेलल कनेक्शन पे क्यों होते हैं, इसका आंसर जरूर देना। और हुआ क्या, देखो दिख रहा है क्या, देखो क्या आपके दो चीजें और एक ये रहा और इन सभी को कहां कर दिया आपने, अर्थिंग कर दी ना, परफेक्ट है। तो ऐसे में क्या होता है, यहां पर मान लो किसी बॉडी के पास अगर एक्स्ट्रा चार्ज आ जाए तो सारा का सारा वो चार्ज यहां चला जाता है, चलेगा। बाकी ये जो है क्या कि सर यहां पर एक लाइव वायर है जो पॉजिटिव होता है और ये आपका नेगेटिव है, और ये सप्लाई सप्लाई आके आपके घरों पे, उससे पहले क्या लगा रखा आपका मेन फ्यूज है ताकि सर्किट बचा सके, फिर आपका मेन स्विच है कुछ ऐसा है, वैसे ये हट चुका है, ये हाउस होल्ड सर्किट के अंदर कुछ कहानी थी, लेकिन छोड़ो हटाओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉलोइंग डायग्राम चैप्टर 13 से, इफ द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटलिक वायर। कुछ ध्यान से इसको देखा जाए, करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है आपका कहां से, बॉटम से टॉप ना, बॉटम से टॉप है। वैसे आप इसमें अगर वैसे इसमें कौन से रूल का इस्तेमाल करोगे, यहां पर इस्तेमाल करोगे राइट हैंड थंब रूल। फिर से बोलो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलते हैं, कि कंडक्टर में जिस डायरेक्शन पे करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन पे अपने थंब को ऐसे रखो, मानो करंट ऐसे ऊपर है, ऊपर है तो थंब को ऐसे रखा, अब कुछ नहीं करना, फिंगर जो आपकी जो है ना ये जो आपके फिंगर्स हैं इसको घुमाना है, घुमाओ। मान लो कि आप 12 हो, ऐसे ना मान लो कि आप 12 हो और ये आपका क्या है, ये आपके पास है, ये आपके पास 9 है, ये 6 है, ये 3 है, 12 आप हो, ये 9 मैं 6 ये 3 है, तो अगर ऐसे रखोगे ना तो आपके ये उंगली आपके पास जाएगी, आप 12 हो फिर कहाँ गया, फिर कहाँ गया 9, फिर कहाँ गया, फिर कहाँ गया, कहाँ गया आपका 6, फिर कहाँ गया आपका 3, मींस 12963 कैसा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या है सर, परफेक्ट है आपका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज इस पे बनाना है, चलेगा ये सर ओके। और मैंने ना एक छोटा सा ट्रिक्स ऐसे कुछ है कि मान लो कि बॉटम जो है धरती है, ठीक है, मान लो धरती है और ये जो टॉप है ये है आपका आसमान, ठीक है, तो जब इंसान मरता है बोलते ना कि आसमान में जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, ऐसे मान लो कि ऊपर जा रहा है, तो अब इंसान धरती से आसमान है, धरती से आसमान मतलब कि मर गया, ऐसे मान लो, ऐसे ना मरे मान लो मर गया, तो अगर ऊपर जा रहे तो सब कुछ आपको उल्टा लगेगा, मतलब सब कुछ आपको उल्टा है, अगर आप पैदा होते तो नीचे आते ना तो घड़ी के हिसाब से होता, लेकिन अब उल्टा लगेगा तो एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे आपका, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, परफेक्ट है, यस सर, क्या मजा आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, ओके, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, इट मींस आई कितना है, जब भी न्यूमेरिकल्स आए हमेशा गिवन लिखो, आई 2 एम्पियर है, और क्या कितने मिनट के लिए करंट फ्लो कर रहा है आपका 4, तो टी कितना आपका 4 मिनट्स, टी कितना आपके पास 4 मिनट्स है, मतलब आपके पास 240 सेकंड है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या निकालना बेटा आपको, क्यों निकालना, चलेगा सबसे अफसर यहां इसको चेंज क्यों किया आपने, बिकॉज टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड है, अब मुझे करें परफेक्ट करा जाए तो अब करेंगे क्या, मुझे पता कि सर आई क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो क्यू बाय टी है, मुझे क्यू निकालना, तो क्यू क्या बन जाएगा आपका आई इंटू पे टी है, आई आपके पास क्या 2 इंटू पे टी, बचे कितना आपके पास 240 सेकंड है, मल्टीप्लाई किया जाए 480 कूलम्ब, चलेगा जब आप सारी चीजों को एसआई मिलोगे तो आंसर भी एसआई यूनिट पे आएगा, तो इसे 480 कूलम्ब इज द परफेक्ट आंसर। बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एसी के और में था, इलेक्ट्रिक फैन है इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सोर्स, मतलब वी कितना पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, और द करंट इज 4 एम्पियर, मींस आई कितना आपके पास, आई आपके पास है 4 एम्पियर, क्या निकालना आपको, पावर ऑफ द फैन, मींस पावर चाहिए, पावर क्या होता है सोचो, वेरी सिंपल, वी इंटू पे आई होता ना, चलेगा, तो V कितना आपके पास 220 इंटू पे 4 हो गया, तो 4 0 0 4 2 8 4 2 8, दैट्स द आंसर, 880 क्या आपका वॉट, परफेक्ट है जनता, यस सुनो क्या, एंड वाई वॉट, बिकॉज द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट है। एंड चलो अगर आपको न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत है, क्लास 10 के न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने ना सीबीएसई के 2011 से लेके 2020 तक सीबीएसई ने 130 प्लस न्यूमेरिकल्स पूछे हैं, तो इन सभी को कलेक्ट करके ज्ञानी कीड़ा के एप्लीकेशन के अंदर एक छोटे से मिनिमम प्राइस में रखा गया है, और प्राइस सुन लो ओनली ₹4 है, तो ₹4 में आपको, अब ये कॉस्ट सिर्फ मत पूछो सर क्यों है, बस समझ जाओ कि है कि इस ₹4 में आपके जो है मैंने कंप्लीट दे रखा है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके विजिट कर सकते हो, और साथ में वहां मिल जाएंगे, आप सॉल्व कर लो, मैं जल्दी से लेके भी आऊंगा उसको भी यहाँ पर। चलो क्या आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, व्हाट इज द रोल ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस है, पहली बात सुन लो,
कि आपका डाइल्यूट एचसीएल प्रेजेंट होता है कहां पर आपका, ये हमारे सरफेस जो स्टमक है उसकी जो वॉल्स होती है इनर वॉल्स, वहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वो तीन चीज का सीक्रेशन करते हैं, कौन कौन सा, एक म्यूकस, एक पेप्सिन और एक आपका एचसीएल हो गया, परफेक्ट है। तो करता क्या आपका एचसीएल, एचसीएल हमको क्या करेगा आपका एचसीएल, दो बहुत सारे फंक्शन ऐसे, हम कोई दो फंक्शन लिखते हैं, पहला कि अगर मान लो कि फूड के साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले गए तो उन्हें किल करने का काम करता, तो क्या बोलोगे, इट, लिखो थोड़ी अंग्रेजी, इट किल्स, है ना, इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एंटर्स थ्रू फूड, है ना, दैट एंटर्स, तो बड़े बदतमीज होते हैं चले जाते खाने के बहाने, दैट एंटर्स थ्रू फूड है, परफेक्ट है। सेकंड बोलो क्या, सेकंड सर, सेकंड ये है कि ये कौन सा मीडियम बना के रखता है सर, ये ना एसिडिक, मतलब देखो ऑब्वियसली बात है, सोचो ना ऑब्वियसली बात है, अगर HCl है बीइंग एसिडिक है तो अपने आसपास कैसा माहौल बनाएंगे आपका, एसिडिक है, इससे क्या होता है अगर एसिडिक माहौल बना देंगे तो एक है पेप्सिन, अब पेप्सिन जो है ना ये अभी इनएक्टिव होता है, ये बहुत सोया होता है, ये इसी के इनएक्टिव फॉर्म को पेप्सिनोजन बोलते हैं, तो मान लो कि पेप्सिन जो अभी इनएक्टिव फॉर्म में इसको हम पेप्सिनोजन बोलते हैं, तो उसे एक्टिव करने के लिए कौन सा मीडियम काम आता है, एसिडिक मीडियम है, तो बोल सकते हैं ना कि सर ये जो HCl है कहीं ना कहीं प्रोटीन के डाइजेशन में भी काम आ रहा है, क्योंकि उसने क्या बनाया, उसने एसिडिक मीडियम, उसने आपका एसिडिक मीडियम क्रिएट कर दिया, और एसिडिक मीडियम दैट इज नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ व्हाट, प्रोटीन से, बस दो फंक्शंस ले सकते हैं, आगे बढ़े। अब एक और क्वेश्चन है कि बताओ कि अगर ठीक है अगर HCl है तो हमारे जो स्टमक का जो गैस्ट्रिक जूस है इसका पीएच कितना होगा, सोचो रफली कितना होगा, सोचा जाए, है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू मिक्स है। हार्ट के हमारे चार चैम्बर होते हैं, लेफ्ट पार्ट में या राइट पार्ट जो भी है, तो एक पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक पार्ट में डीऑक्सी, तो कह रहा है कि हमारा स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा, ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए हमारी ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, तो यहाँ पर एक लेयर देखिए दिख रहा है आपको, क्या एक वॉल है, कौन सा, सेप्टम। ये सेप्टम क्या करता है आपके, सेप्टम लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को अलग करता किससे, आपका राइट से, चलेगा। और आपका जो लेफ्ट पार्ट है यहाँ पर कैसा ब्लड फ्लो करता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और यहाँ पर कैसा बेटा, यहाँ पर जिसके पास CO2 है इसे हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलेगा सर, दौड़ेगा, है ना। अब अच्छी है क्या, तो पहली बात तो इसने सेपरेट किया, अब ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली है कि ह्यूमन बींग्स या जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अब एनर्जी कैसे बनता है, मुझे पता कि जो हमने ऑक्सीजन लिया वो कंबाइन करता है फूड से और एनर्जी बनता है, तो जितने ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा एनर्जी बोल सकते हैं, परफेक्ट है। तो ऐसे में अगर CO2 और O2 दोनों मिक्स हो गए तो आप खुद सोचो तो क्या ऑक्सीजन पहुंच पाएगा आपके सेल्स के पास, नहीं पहुंच पाएगा, बिकॉज मिक्सिंग हो चुकी है, मिक्स हो गए ना, इसीलिए तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई इन ह्यूमन बींग्स, दैट्स व्हाई देयर मस्ट बी द डिवीजन ऑफ व्हाट हार्ट इनटू द फोर चैम्बर्स है, एक तरफ आपका क्या है, एक तो क्या है लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, और यहाँ पर राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल चलेगा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो आंसर चाहिए, आंसर यही है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, कि लंग से सबसे पहले ब्लड कहाँ पर आता है, यहाँ पर इसे ऑप्शन ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी और डी, आंसर जरूर देना। और अगर मान लो ए इसका आंसर है तो कौन लेके आता है, कौन सा वो ब्लड वेसल जो लेके आता है, आंसर जरूर बताना, बहुत खुशी होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी के और पे था। After examining a blood report, उसका डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि आयरन कैप्सूल्स, और बोला कि आप बीट रूट जो आपका होते हैं चिकुंदर से होते हैं, एप्पल, स्पाइनेज, इन सबको डाइट पे लो। अब खुद सोचो डॉक्टर ने क्या ऑब्जर्व किया कि ब्लड रिपोर्ट क्या ऑब्जर्व किया ब्लड रिपोर्ट में कि ये सब खाने की सजेस्ट किया, तो बहुत सिंपल सी बात सर, पक्का उनके बॉडी के अंदर बोलो क्या होगा, उनकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो गई होगी, परफेक्ट है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो गई होगी। मतलब आप बोलते हो कि सर हीमोग्लोबिन किससे बनता है आपका, आयरन से, तो आयरन की डेफिशिएंसी हो चुकी होगी, यस नो, के और बस इतना ही, और कुछ नहीं बोलोगे, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन या फिर डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी को क्या बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं आपका एनीमिया, है ना। और मुझे पता कि अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो हीमोग्लोबिन के साथ ही जुड़कर ऑक्सीजन आपके बॉडी सेल में जाता है ना, ऑक्सीजन O2 वन सेकंड, हाँ, तो अगर ये कम हो गया तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, बोलो हाँ, यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, व्हाट इफेक्ट्स वुड बी देयर इफ इन द एनवायरनमेंट इफ देयर आर नो डिकम्पोजर्स है। तो कुछ ऐसा बोला जाता कि मान लो कि अगर लाइफ में ना किसी इंसान की वैल्यू पता करने की वैल्यू कितनी है, तो उस इंसान को खो दो, जब आप उस इंसान को खो दोगे ना तो उसकी वैल्यू पता चल जाती है, फैक्ट है ना, वैसी कहानी है कि अगर डिकम्पोजर्स
चले जाए इस इन्वायरमेंट से तो क्या होगा? तो आपको लगेगा कि सर डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन मैं चलो बहुत कुछ होगा। क्या होगा? डिकम्पोजर्स आपके, मान लो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मर गया, उसके बाद उसकी बॉडी कहाँ जाती है? तो एक्चुअल में डिकम्पोजर्स आते हैं और उसे डिकम्पोज करते हैं और छोटे 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 टुकड़ों में करके जितना भी न्यूट्रिएंट था उसको वापस कहाँ भेज देते हैं? सॉइल में। ठीक है, परफेक्ट है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करते हैं कौन? डिकम्पोजर्स है। सेकंड बात है, अगर डिकम्पोजर्स चले जाए तो जो लाशें है ना, जो बॉडी है, वो सारी इकट्ठी होती चली जाएगी, एक पाइल सा बन जाएगा, ढेर बन जाएगा। तो कुछ कहानी ऐसी है, ये आपके प्यारे से डिकम्पोजर्स है ना, वेस्टेज। देखो यार, अगर ये वॉर्म मशरूम इंसेक्ट बैक्टीरिया डिकम्पोजर काम करते हैं बेसिकली डिकम्पोज, और ये आपके फूड फूड चेन में सबसे आखिर में आएंगे, तो वेस्टेज एंड द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक है, वुड पाइल अप एंड द न्यूट्रिएंट्स विद इन द वेस्ट एंड डेड ऑर्गेनिज्म वुड नॉट बी रिलीज बैक इन टू द इकोसिस्टम। तो कहीं ना कहीं सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी भी हो जाएगी, क्यों? बिकॉज रिसाइकलिंग हो पा रहा ना, परफेक्ट है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा फूड चेन के बारे में, मान लो कि ए बी सी और डी फूड चेन है, तो अगर ए के पास है 10,000 जूल एनर्जी, ए के पास कितना है 10,000 जूल एनर्जी है, तो डी के पास कितनी एनर्जी होगी? लगाना 10% लॉ, बताना जरूर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, ओके। और 13 के एक और में भी था, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा आपसे? आपसे कह रहा है कि लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशंस व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल सी बात है कि सर यहाँ पर जो कंटेनर है इसमें जो वाटर है, वाटर ब्रेक हो जाएगा किसके प्रेजेंस में? वाटर ब्रेक हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, और जब वाटर ब्रेक होता तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपके दो गैस, कौन कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस बनेगा और साथ में आपका ऑक्सीजन गैस बनेगा। तो जो आपने ऑब्जर्व क्या करोगे कि सर हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस कहां बनता है? हाइड्रोजन गैस बनेगा आपका कहां बेटा? कैथोड की तरफ है, और जो ऑक्सीजन गैस है वो कहां बनेगा? एनोड की तरफ है। अब इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक सुनना चाहोगे? सुनते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला? हाई कोर्ट आओ ना, हाई कोर्ट आओ ना, हाई कोर्ट आओ ना, हाई कोट आ ओ ना। तो हाई से क्या है? हाई से आपका हाइड्रोजन, परफेक्ट है। हाई से क्या बेटा बोलो? हाइड्रोजन। सी से क्या है आपका? सी से आपका कैथोड। और ए से क्या है? ए से आपके पास है एनोड है, और ओ से आपके पास क्या? ऑक्सीजन। चलेगा, चेक करा जाए। देखो यार, एनोड पे क्या बनेगा? एनोड पे ये रहा ऑक्सीजन, और ये रहा हाइड्रोजन कैथोड पे, परफेक्ट है। यस, सुन के मजा आ रहा है, बोलो हाँ ना। चलो क्या, तो हो गया जी कहानी खत्म, और कुछ नहीं करना, बस ये ऑब्जर्वेशन थी। और यहाँ पर ये ब्रेक हुआ, बैलेंस कर सकते हो बैलेंस कर लो। और यहाँ पर ध्यान देना कि हाइड्रोजन और अगर ऑक्सीजन की मोल की बात की जाए तो ये 2 मोल बनता है और ये 1 मोल बनता है। चलेगा बेटा, और कुछ नहीं, और कुछ हाँ, एक मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का, और एनसीईआरटी में जिसका डिस्कशन है वो है डाइल्यूट H2SO4 है। तो H2SO4 को ऐड ना करे, अगर इसको ऐड ना करे तो क्या होगा? जरूर बताना आंसर कमेंट सेक्शन पे। इसी के और में था कि सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ध्यान देना कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स है उसके पास कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके पास कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने बेटा? कितने? 5 फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स, इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसकी वजह से वो ब्लू रंग का होता है। जब इसको हीट किया जाता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करके कुछ ऐसे बन जाते हैं, कुछ आपके पानी अलग हो गया ना, 5H2 है। तो अब मुझे बताओ क्या ये अब ब्लू रंग का रहेगा? ना 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 सर, ये वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। आपसे क्या कह रहे? देखो, सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर टेकन इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड हीटेड ऑन अ फ्लेम। जब हीट करोगे डैम श्योर है वो वाइट बन जाएगा। अब जो सैंपल मिला उसको फिर से क्या कर रहे हैं? फिर से उसमें वाटर एड कराया जा रहा है। जब वाटर बोलते ना कि जब आना ही था तो तुम जाते क्यों हो ना, वैसे कुछ कहानी हो गई यहाँ पर। तो अब सेम वही है, सेम बच्चे बोलो कि यहाँ पर आपके पास ये बन गया, अब फिर से आपने वाटर ऐड कर दिया। अगर आपने वाटर ऐड कर दिया तो सर फिर से क्या हो जाएगा? फिर से वो ब्लू बन जाएगा, है कि नहीं है? फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। दैट्स द आंसर है, राइट? द कलर चेंज है। तो पहले क्या था? पहले बेटा पहले ब्लू से व्हाइट, बाद में क्या हो? व्हाइट से ब्लू हो जाएगा। दैट्स द आंसर। क्या आप मुझे एग्जाम्पल दे सकते हो ऐसे सॉल्ट का जिसके, इसके अलावा कॉपर सल्फेट के अलावा ऐसे कौन से सॉल्ट है जिनके पास फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं? आंसर जरूर देना, मोस्ट वेलकम है कमेंट सेक्शन पे। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। कुछ याद आया? क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 कैसे होंगे आप एग्जाम पे? असेंशियल रीजन टाइप क्वेश्चन है। और अब नए हो इस प्लेटफॉर्म, बताना चाहूंगा ज्ञानी कीटा के प्लेटफॉर्म पे हमने 125 प्लस एसेंशियल रीजन चैप्टर वाइज कर रखे हैं। तो अगर आप नहीं देखा विजिट करना, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ध्यान देना 14, 15, 16 है। तो कुछ कहानी है, देखो जब भी एसेंशियल रीजन करो बस एक बार ना ऑप्शन में डी को पढ़ लेना, क्यों? बिकॉज ये सेम रहते हैं, ए बी सी सेम रहते हैं, डी को पढ़ लेना कि एसेंशियल जब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर फॉल्स है बट रीजन क्या आपका ट्रू है, परफेक्ट है। इससे पहले जो सैम्पल पर किया था आई थिंक वहां पर ये था कि एसेंशियल और रीजन दोनों ही फॉल्स है, तो ये जरूर चेक कर लेना, परफेक्ट है। जो देखते हैं आपके सामने स्टैंड आ चुके हैं, टूथ डिके इज कॉस्ड when we eat sweets frequently and don't
क्लीन आवर माउथ, बात में दम तो है भैया कि जब आपके माउथ को क्लीन नहीं करते तो हमारे जो टूथ के ऊपर जो शुगर होता है वो शुगर को कौन डाइजेस्ट करेगा, वो शुगर को डाइजेस्ट करते हैं हमारे बैक्टीरिया और क्या बनाते हैं आपके एसिड, और ये एसिड क्या करता है हमारे इनेबल को डिजोल्व कर देगा। इनेबल क्या होता है, जो हार्डेस्ट लेयर है जो कि ध्यान देना बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। एक क्वेश्चन तो पूछूंगा कि कैल्शियम फॉस्फेट कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट या न्यूट्रल है, कि सर कहां से स्टार्ट के कहां ले गए तो जरूर बताना चाहिए। तो ये ट्रू है बेटा, ये ट्रू है, परफेक्ट है, नीचे आ जाओ। और बैक्टीरिया देखो, कोई बात है क्यों बना, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज़ देखो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर्स एंड फूड पार्टिकल्स टू लोअर डाउन द पीएच ऑफ द माउथ, और जब पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो आपका टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। इसमें से ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, बताया भी क्यों होता है, तो रीजन इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन करेक्टली, इसलिए आप जाओगे ऑप्शन नंबर, बोलो बोलो बोलो, यस ऑप्शन नंबर ए के साथ है। और जिसकी मैं बात कर रहा था, 125 प्लस असर्शन रीजन हम अपलोड कर रखे हैं, हंसता खेलता चेहरा ये रहा इंसान, हाँ हाँ हाँ, और ये ठीक है। तो अगर आप नहीं देखा है प्लीज इसे चेक आउट करना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और यहाँ पर 15 पे दो क्वेश्चन है और में थे, ये वाला और में था, करते आराम से करते हैं, मुझे करें। आपसे क्या कहना चाह रहा है, आपसे कहना चाह रहा है ओजोन रिलीज बाय इंडस्ट्रीज इज अ यूजफुल गैस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सोचा क्या ध्यान देना, ओजोन ना बेटा देखो ध्यान देना, ओजोन जो है इसी कहानी सुनो, जब ये ग्राउंड लेवल पर होता है तो उस केस में टॉक्सिक गैस है। ध्यान देना, ओजोन हमेशा बेनिफिशियल नहीं होता है, आपने पढ़ा होगा कि ओजोन सन की यूवी रे से बचाता है, हाँ बचाता है, लेकिन तब जब वो एटमॉस्फेयर में, तो ध्यान देना कि जब वो ग्राउंड लेवल पे है तो टॉक्सिक है, लेकिन जब यही आपका स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, तो उस केस में कैसे बेनिफिशियल, परफेक्ट है। तो क्या सीखा कि बेनिफिशियल भी है और आपका टॉक्सिक भी है, चलेगा, लेकिन जब ग्राउंड पे तो टॉक्सिक है। तो यहाँ पर कह रहा है ओजोन रिलीज बाय इंडस्ट्रीज, ना जी ना, इंडस्ट्रीज से ओजोन रिलीज नहीं होता, फॉल्स है, बोलिए आपका फॉल्स है, चलेगा, परफेक्ट है। ओजोन इज प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर एज अ, देखो अब आया ना अपर एटमॉस्फेयर, तो अगर एटमॉस्फेयर में है तो कैसा होगा, बेनिफिशियल, एज अ लाइफ प्रोटेक्टिंग लेयर फॉर, मींस ये ट्रू है। अब पढ़ो क्या हुआ सर, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे, एंड दैट्स द ऑप्शन सी, दैट्स द ऑप्शन सी, वेल डन ऑल ऑफ यू, है ना। अब इसी के और पे था, एसेशन क्या कह रहा है, द टॉप ऑफ एन इकोलॉजिकल पैरामीटर, इसको ध्यान से देखा जाए, ये आपके पास फूड का क्या है पैरामीटर, परफेक्ट है। तो सबसे नीचे जब बॉटम की बात की जाए तो वो थोड़ा सा क्या वाइड है, लेकिन जब ऊपर जा रहे हो ना धीरे 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 क्या दिखा दिख रहा है, क्या हो रहा है कि सर वो धीरे धीरे उसकी जो ब्रॉडनिंग थी वो कम होती चली जा रही है ना, यस से नो क्या, तो ऐसा क्यों, बिकॉज यस नीचे वाले क्या प्रोड्यूसर्स हैं, तो प्रोड्यूसर से कहां गए आप, हावी बोरस प्राइमरी कंज्यूमर, फिर अब यहां से यहां गए तो एनर्जी क्या होती चली जाती है, एनर्जी आपकी डिक्रीज होती चली जाती है ना, एनर्जी आपकी डिक्रीज होती चली जाती है, हाँ है ना, बोलो यस सर, होती जाती है। तो आपसे क्या कह रहा है, द टॉप ऑफ एन इकोलॉजिकल पैरामिड इज ऑक्यूपाइड बाय प्रोड्यूसर, ना जी ना 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 ना, वो तो आपके प्रोड्यूसर तो नीचे है, तो ये फॉल्स है, ये तो आपका फॉल्स है, नीचे आ जाओ, प्रोड्यूसर्स हैव द लार्जेस्ट बायोमास, बायोमास में क्या एनर्जी है, तो ऑब्वियस ही बात है सर इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, तो ये ट्रू है, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, जाओगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, सी के साथ है। और ना बच्चे कह रहे थे कि सर कि जो और में क्वेश्चन होते हैं क्या दोनों के आंसर सेम होते हैं, ये लॉजिक नहीं है, ध्यान देना ठीक है। और ये क्या दिखा रहा है, देखो सिखाता है, डिकम्पोज क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है रिसाइकल करके फिर से यहां भेज देंगे, फिर चलता बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, क्या कह रहा है, परफेक्ट है, आ जाओ कह रहा है कि आपसे मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस में, मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस में ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू ट्रेड्स आर ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन। आपने देखा था कि जब हमने मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस मतलब दो करेक्टर्स एक टाइम पे क्रॉस किया था, जब क्रॉस कर रहे थे तो आपका स्टार्टिंग में लिया था हमने क्या, हमने लिया था राउंड और येलो, है ना, हमने लिया था राउंड और येलो जो कि डोमिनेंट थे, और एक तरफ क्या लिया था, एक तरफ रिंकल्ड और ग्रीन जो कि रिसेसिव थे, हमने ये लिया था ना, पर लेकिन जब हमारे पास F2 आया था, तो वहां पर राउंड येलो भी था, रिंकल्ड येलो भी था, राउंड येलो भी था, और कुछ गलती हो गई यहाँ पर, ये रिंकल्ड ग्रीन है, ठीक है, आपको क्या आपके पास ये रिंकल्ड ग्रीन है, ये रिंकल्ड ग्रीन है, तो आपके पास एक तरफ क्या था, एक तरफ ये डोमिनेंट और एक तरफ ये रिसेसिव है, लेकिन जो आपका F2 में आया था ना, F1 सारे राउंड येलो होंगे, F1 जनरेशन में तो सारे राउंड येलो क्योंकि डोमिनेंट है, लेकिन F2 में राउंड येलो भी था, रिंकल्ड ग्रीन भी था, राउंड ग्रीन भी था और रिंकल्ड येलो भी था, सारे बन गए थे, परफेक्ट है। तो यहां पर ये ट्रू है, बात में दम है, ट्रू है, यस नो क्या है, नीचे आ जाओ। और पता ही क्यों था, कि पता ही ऐसे सारे बन क्यों पाए थे, बिकॉज एक लॉ है, कौन सा यस बोलो
हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यस नो, क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? सुन भी लो क्या कहता है ये, एक बार सुन लो एक बार क्या कहना चाहता है ये बोलता ना कि आप मुझे बताओ यहाँ पर एक करेक्टर राउंड है और एक करेक्टर येलो है, यहाँ पर एक करेक्टर रिंकल्ड और ग्रीन है, क्या ये जो राउंड वाला है क्या इसमें डिपेंड रहता है? क्या ये इससे पूछेगा कि मैं जाऊं ना जाऊं? ना ना, ये इंडिपेंडेंटली जा सकता है और इसके साथ जुड़ सकता है। परफेक्ट है, सेम वही कहानी है, रिंकल्ड वाला इंडिपेंडेंट जा सकता है और इसके साथ जुड़ सकता है, मतलब इंडिपेंडेंटली जा सकते हैं और नए मिक्सचर्स बना सकते हैं, ये इसका रीजन था। लेकिन रीजन क्या कह रहे हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैव टू जीन्स फॉर ईच इनहेरिटेड, तो दम तो है कि मतलब सपोज क्या है, मान लो कि आपके पास ये ठीक है, टॉल है, टॉल तो टॉल में या फिर इसके बाद टी होगा, टी टी होगा, या फिर टी टी होगा, या फिर आपका डॉफ है तो स्मॉल टी होगा, दो जीन्स तो होते हैं, तो ये ट्रू है। लेकिन क्या आप खुद सोचो, क्या इस ऊपर वाले को इसने एक्सप्लेन किया नहीं चलना ना, बिकॉज एक्सप्लेन कौन करेगा, तो ये करेगा, तो आप बोलोगे सर असेशन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असेशन, दैट्स व्हाई आप जाओगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। मजा आ रहा है, यस सर, क्या है, यस सर ऑप्शन बी के साथ गए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो अब 17 से लेकर 20 तक करते हैं और यहां पर एक खास बात यह है कि हर एक क्वेश्चन के 5 सब पार्ट्स होंगे और 5 में से आपको एग्जाम पे सिर्फ 4 ही करने हैं। ये प्रॉपर माइंडसेट लेके चलना, जब एग्जाम देने जाओगे ना तो बार बार क्वेश्चन को रीड नहीं करना, किस पे क्या करना है, ये बना के जाओ कि 14, 15, 16 असेशन रीजन ही होने वाला है और 17 से लेकर 20 देखो, 17, 18, 19, 20 मतलब आपके पास 4 × 5 20 मार्क्स यहां से कवर होंगे। मजा आएगा ना। चलो क्या आज जब पहला क्वेश्चन सामने है तो यहां पर ना कुछ थ्योरी लिखी होगी, कुछ आपके पास थ्योरी लिखी होगी, तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि अगर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पल और पीवाईक्यूज कर रखा है ना, तो प्लीज इस थ्योरी में टाइम वेस्ट मत करना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मत करो, लेकिन क्या है, पहले आप क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन आपके नॉलेज के हिसाब से हो पा रहा है तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन। हेटरोट्रॉफिक क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता तो क्या करता है, किसी और के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, इसी को बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। पढ़ते हैं, पहला कह रहा ऑल एनिमल्स, नीचे आ जाओ, सारे ऑप्शन को रीड जरूर करना, पैरासाइट्स एंड सैप्रोट्रॉफ्स, नीचे आ जाओ, पैरासाइट्स सैप्रोट्रॉफ्स एंड एनिमल्स, एंड दैट इज द परफेक्ट आंसर। ये जो पैरासाइट्स है वो किस मोड को अपनाते हैं, ये अपनाते हैं पैरासिटिक मोड को, है ना, ये अपनाते हैं पैरासिटिक मोड को। सैप्रोट्रॉफिक मोड क्या है, सैप्रोफिटिक मोड को, है ना, सैप्रोफिटिक है। और एनिमल्स क्या आपका होलोजॉइक को, एनिमल्स कौन सा आपका होलोजॉइक को, और ये तीनों के तीनों, ये प्लस ये प्लस ये किसके अंदर आते हैं सर, चाहे पैरासिटिक हो चाहे ये हो चाहे ये हो, एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, अगर ऐसा होगा तो हेटरो के अंदर ही आएगा, तो इसका आंसर के ऑप्शन नंबर सी। ध्यान देना, पहली छोटी गलती कि आप हो सकता है कि इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करो, दूसरा क्या है कि सारे ऑप्शन को रीड जरूर करना। अब इसी के सेकंड के बाद, इसी के आपका सेकंड है दस टू, ओके ओके, फिगर को ध्यान से देखा जाए, फिगर को ध्यान से देखा जाए, ये हो कह रहा है, ये आपके पास सन है, सन की प्रेजेंस में प्लांट क्या करता है, सन की प्रेजेंस में प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस, और जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या बनाएगा, फूड बनाएगा, और क्या तैयार कर दिया आपका, ग्लूकोस है, चलेगा, जहां बना वहां पर फूड ज्यादा है तो सोर्स का नाम दो। अब क्या, जहां जहां चाहिए होगा, मान लो क्या है सपोज यहां पर जो है फूड की रिक्वायरमेंट है, तो जहां जाएगा उसे क्या बोलेंगे, सिंक बोलेंगे। तो जो होता क्या, ऐसे में प्लांट ये कह रहा है कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो फूड को किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है, तो आपका आंसर क्या होगा, स्टार्च। परफेक्ट है, स्टार्च की फॉर्म में, देखो जो ग्लूकोस है कुछ तो डायरेक्टली यूज कर गया, और प्लांट जो ग्लूकोस का यूज नहीं करता उसे फ्यूचर के पर्पस के लिए स्टोर करके रखता है, किसकी फॉर्म पे, स्टार्च। स्टार्च क्या है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ना, एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। फिर सुनना, एक क्वेश्चन के 5 पार्ट्स होंगे और कोई 4 ही करने हैं, अगर 5 में से 4 तो ऐसे होंगे जो बहुत इजी, एक टफ होगा तो उसको छोड़ देना, ठीक है। चलो फूड आया, उसके फूड ना कुछ ऊपर दिख रहा है फूड ऊपर जा रहा है, फूड आपका नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है कहां से कहां, आपका सोर्स से कहां बेटा, सिंक नीचे भी हो सकता है, सिंक आपका ऊपर भी हो सकता है, और ये कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है कि बाई, क्या बोलोगे सर, ये आपका है बाई डायरेक्शनल। परफेक्ट है, बाई डायरेक्शनल है, ये फर्क भी है,
जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है एक डायरेक्शन पे, लेकिन जो फूड का है वो बाई डायरेक्शन में हो सकता है, और किसके द्वारा होता है, ये होता है फिलियोम टिश्यू के द्वारा, फिलियोम टिश्यू के द्वारा है। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है किसका, फूड का, कहां से कहां, सोर्स से सिंक, इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। फिर से बोला जाए इसे क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसलोकेशन है। और ट्रांसलोकेशन को करवाने के लिए क्या चीज होता है, बाहर से कुछ एटीपी एनर्जी के मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं। यही पूछा गया था, द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरोस इन द स्टेम स्टार्टिंग फ्रॉम द लीफ, जो सोर्स का नाम दिया गया, आर शोइंग एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो कौन सा आपका ट्रांसलोकेशन है। और ऐसे में ड्राइविंग फोर्स मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो एनर्जी फ्रॉम एटीपी। तो 17 के थर्ड का ऑप्शन बी इज द परफेक्ट आंसर। यस नो, क्या बढ़ते हैं क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ। और ये जो फोर्थ है, ये जो फोर्थ है, अच्छे मैं चाहता हूं कि फोर्थ क्वेश्चन को आप खुद पढ़ो और खुद इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। क्यों, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी एक्वालिटी है क्या, यहां पर समझ लो है क्या, यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यहां पर क्या लाइट इंटेंसिटी है। क्या दिख रहा ग्राफ में कि सर यहां तक इस पॉइंट तक, मान लो ए है, ये बी है, और ये आपका मान लो कि ये सी है, और ये आपका डी मान लो। तो सर ए से लेके बी तक जैसे जैसे लाइट बढ़ रहा है वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट ही बढ़ रहा है। बी से सी तो सैचुरेट होने की कोशिश कर रहा है, और सी से डी लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो गया। जब ये कांस्टेंट हो गया उसके बाद आइदर द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 और आपका जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा, तब जाके ही ये चेंज होगा, वरना इस पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए आपका ये सेम रहेगा। आपसे क्या कह रहा है, द अबव ग्राफ इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप यहां से इन्फर कर सकते हो, क्या यहां से कंक्लूड कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू मी यहां पर मोर देन वन करेक्ट आंसर है, लेकिन जो एग्जाम पेपर था वहां पर ऑप्शन मेंशन नहीं था। तो आपके हिसाब से मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग यहां पर मोर देन वन करेक्ट आंसर है। तो कौन कौन से आंसर है, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं हर कोई बच्चा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और एक और चीज कि सर अगर एग्जाम पे कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो हमारे सर के ऊपर से, तो क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, पांच में से चार कर लें, तीन आप कर चुके हो, चौथा टफ लग रहा है, आगे बढ़ जाओ, तो पक्का जो ये वाला होगा ना वो इजी होगा, आप कर सकते हो। कैसे, देखो क्या, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स वर्क वेल एट ऑप्टिमम टेम्परेचर नीडेड फॉर द फोटोसिंथेटिक एंजाइम। जो एंजाइम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं उसके लिए पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर भी परफेक्ट टेम्परेचर होता है। तो ये टेम्परेचर कौन प्रोवाइड करता है, वेरी सिंपल चक्का, बोलो क्या है, वी पास द विजिबल लाइट है ना, विजिबल लाइट क्या है, ये ना कुछ रेंज में होता है, आपको दिख रहा है, ये क्या आपके लाइट के बहुत सारे वेवलेंथ का दिखा रहा है। तो जो 400 नैनोमीटर से, ध्यान देना ये आपके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए है, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर, ये क्या आपका रेंज ऑफ, बोलो क्या आपका सर, ये है वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट है, वेवलेंथ जिसको हम सेंस कर सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट है, परफेक्ट है, आपका क्वेश्चन क्या है, परफेक्ट है। और इसी में क्या होंगे, इसी के अंदर आपके VIBGYOR कंपोनेंट्स होंगे, चलेगा जी, हाँ ना, परफेक्ट है। मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास कराया जाता है तो बैंड ऑफ 7 मेजर कलर्स बनता है, और इस पैटर्न को एक नाम दिया जाता है, मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड डैश, आंसर इन द कमेंट सेक्शन है। तो इस तरीके से हमने 17 के पांचों पार्ट के, अब बढ़ते हैं 18 की तरफ, सेम वही कहानी है। आ जाओ, आपके पास क्या है सर, यहां पढ़ते से है क्या, यहां पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कुछ आपको हल्का सा पार्ट दे रखा है, जहां बात चल रही है किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसी का ठीक उल्टा क्या होता है, इसी का ठीक उल्टा होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। चलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये आपकी टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट या गेन करने की टेंडेंसी को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलेगा, जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, लेकिन जो मेटल्स हैं वो इसको शो नहीं करते, वो तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, और इसी डोनेट करने की प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता, सोचो क्या बोला जाता है, यस, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। तो क्या ये बोल सकता हूं, इसे बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर, है ना, इसे बोलते हैं आपका मेटालिक कैरेक्टर, और ये वाला जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। यहां पर आपको कुछ वैल्यूज दे रखी है, कितना सिंपल हो क्या है, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आपका, यस, फ्लोरिन की, और सुन लो फ्लोरिन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव
एलिमेंट फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में पाए जाने सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव यही है। अगर फ्लोरीन और क्लोरीन का कोई टक्कर नहीं है, सबसे ज्यादा कौन सा? फ्लोरीन रिएक्टिव क्लोरीन से। क्यों? बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। अब क्वेश्चन पूछा क्या है? क्वेश्चन पूछा है, अब देखना बच्चे गड़बड़ी कर सकते हैं। अभी तक आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात चल रही थी, लेकिन यहां पर क्या पूछा है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन टेबल इज। अब ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन सा है आप मुझे बताओ। कि देखो इलेक्ट्रो पॉजिटिव देखो मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव वो होगा जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। जैसे ये है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या ये बोलता हूं कि सर ये वाला जो पोटेशियम है वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। यस सुनो क्या है? यस सर। और आंसर क्या है? आंसर होगा पोटेशियम। मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ी कर सकते हैं क्वेश्चन को रीड करते समय और जाएंगे फ्लोरीन के साथ, लेकिन इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोला गया है। ये ध्यान रखना, सीबीएसई ऐसा मजाक बहुत बार करती है। अब इसी के सेकेंड पार्ट की तरफ, इसी के सेकेंड पार्ट क्या करें आपसे कह रहा है आपका, द नॉन मेटल्स हैव, द नॉन मेटल्स हैव डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म। ऐसे मेरे पास ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये मेरे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? इसका होता है 7। परफेक्ट है। सेम ही आपका ऑक्सीजन है, उसका आपका 8 होता है ना। ऑक्सीजन का क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन का आपके पास होता है आपका 8 ना, चलेगा सर दौड़ेगा। अब एक और चीज है, अब यहां पर सपोज जैसे लिथियम है, ये सोडियम है और ये पोटेशियम है, इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये आपका 2 और 1, इसका 2, 8 और 1 और ये 2, 8 और 8, 1। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेटल्स होते हैं उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो कम होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं? परफेक्ट है आपका। तो यही पूछा था, नॉन मेटल्स हैव डैश वैलेंस, तो यहां तो सर पक्का मोर आएगा। एंड हैव, और जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट की एक्सेप्ट, सर ऑब्वियस याद है आपका एक्सेप्ट है। एंड हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म, एक्सेप्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो एनायन बन जाएगा। एनायन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एनायन। तो आंसर क्या? मोर और एनायन। एंड दैट्स द परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। परफेक्ट है ना। अब इसी के थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं, क्या बोला हुआ है यहाँ पर ग्राफ को देखा जाए। आपसे कह रहे हैं द अबव ग्राफ शोज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। है क्या देखो, यहां पर है पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5 और ये पीरियड 6 है। और यहां पर क्या है, जो रेड वाला है वो दिखा रहा है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को, जो ब्लू वाला है वो दिखा रहा है ग्रुप 13 के, और जो आपके ग्रीन वाला है वो दिखा रहा है ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को। तो आप मुझे बताओ, यहां पर जो वेरिएशन आपको दिखाया गया है वो सिर्फ पीरियड्स में दिखाया गया है या सिर्फ ग्रुप्स में या दोनों में, पीरियड्स और ग्रुप्स? तो सर यहाँ पर पीरियड्स भी हैं और ग्रुप्स पे, तो मतलब क्या है? यस। तो यहाँ पर क्या है कि द अबव ग्राफ शोज इन पीरियड्स ऑफ इन ग्रुप्स यस, इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स बोथ इज द परफेक्ट आंसर, चलेगा। यस सर चलेगा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपके पास है लिथियम, आपके पास है सोडियम, आपके पास है पोटेशियम, सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किस एलिमेंट का होगा? इसका आंसर जरूर देना, कहां पर? कमेंट सेक्शन पे। बढ़ते हैं इसी के फोर्थ पार्ट की तरफ, और फोर्थ पार्ट क्या कह रहा आपसे, द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एटम रिस्पेक्टिवली अलोंग। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आपका एटम कौन सा होगा? परफेक्ट है। ग्राफ में सबसे ऊपर कौन है? सर ग्राफ में सबसे ऊपर है बीए। बीए बोले तो क्या? बीए बोले तो बैरियम। ग्राफ में सबसे नीचे कौन है? दैट्स द आंसर। बोलो क्या आपका? कार्बन। बस मिल गया आंसर। बोलो सर देखो, पहले लार्जेस्ट बोला है तो लार्जेस्ट में क्या आपका बैरियम, और फिर स्मॉलेस्ट बोला है तो कार्बन है, तो बैरियम एंड कार्बन इज द परफेक्ट आंसर। चलो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, है क्या, सीबीएसई के 30% रिडक्शन होने के बाद ये जो सीबीएसई का नया आया था केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन बच्चों के मन में एक कंसेप्शन आ गया है कि नहीं सर बहुत ही अलग होते हैं, यूनिक होते हैं, यहाँ पर कुछ अलग ट्रिक लगती है, तो बच्चे बहुत ही कंफ्यूज है और कमेंट आते ही आते हैं कि सर केस बेस्ड क्वेश्चन को लाया जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है बच्चे, ये कुछ नया नहीं है, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है तो मेरे ख्याल से परेशान नहीं करेंगे। ये तो सीबीएसई वालों ने बोला कि आपको बर्डन को कम करने के लिए लाया गया है और आप टेंशन ले रहे हो, तो इसको ना गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं और इस जो गलत फहमी है इसको दूर करना, बिकॉज बहुत ईजी होते हैं। आपने देखा होगा सैम्पल 1 में चाहे 2 में, वो फ्री के मार्क्स है और कुछ नहीं है, ठीक है, एमसीक्यूज है, चार चार ऑप्शन मिले, क्या चाहिए बेटा, है ना।
अच्छा, और इसी का फिफ्थ पार्ट था द फैक्टर्स विच अफेक्ट द साइज ऑफ द एटम। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, आप मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एटम के साइज को जो है डिटरमिन करते हैं। पहला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ करते हैं कैसे, देखो कैसे, नाइट्रोजन 2 और 5 होता है ठीक है, और ऑक्सीजन 2 और 7 6 होता है ठीक है, दोनों के इसका वैलेंस 5 है इसका 6 है और शेल्स बराबर है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, अब बताओ बड़ा कौन सा, दैट्स योर आंसर नाइट, क्यों, बिकॉज नाइट्रोजन का 5 वैलेंस है तो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है, इसका जो न्यूक्लियर चार्ज कैसा बेटा, कम, न्यूक्लियर कम होगा तो कंप्रेस होगा तो बड़ा होगा, लेकिन इस वाले में न्यूक्लियर ज्यादा है तो अंदर जाएगा तो साइज छोटा हो जाएगा, तो क्या सही करेगा, दूसरा क्या नंबर ऑफ शेल्स करते हैं, तीसरा क्या है न्यूक्लियर चार्ज करते हैं, लास्ट अकरेंस नाना जी, अकरेंस कैसे कि कैसे अकरना जिसने क्या गलत है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इज द परफेक्ट आंसर, हो गया 4 हो गया ना, अब 5 हो गया, 5 में से कोई एग्जाम पे 4 ही करने, तो जो आपको टफ लगेगा वो मत करना, 4 को ही करना ठीक है। चलो आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, सेम वही 5 होंगे सब पार्ट्स, करने कोई आपको आप 4 ही है, आपसे देखो ये कुछ सेम वही कहानी है, यहाँ पर है क्या, इतनी बड़ी थ्योरी है ऐसा लग रहा है कि सर अनसीन पैसेज को लाया गया है ऐसा कुछ ना, है ना, अच्छा है क्या, बहुत सिंपल है, आपके पास मैं आपसे पढ़ भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं, टाइम पढ़ लेना, आपके पास ये ऑब्जेक्ट है ठीक है, और यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, ये बोलो कि आपके पास सर यहाँ पर इमेज है, एक बात तो क्लियर है कि सर ऑब्जेक्ट और इमेज, इमेज कैसा बन रहा है, सर इमेज बन रहा है यहाँ पर इनवर्टेड है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताओ कि जो इमेज आपके पास है, जो लेंस आपके पास है, ये लेंस का नेचर क्या है, क्या ये कॉनकेव लेंस हो सकता है, तो जिनका आंसर यस तो अच्छे गलत है, क्यों, बिकॉज कॉनकेव कभी भी इरेक्ट इमेज, सॉरी कॉनकेव कभी भी इनवर्टेड इमेज नहीं बनाता, वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही बनाता है, तो पक्का डैम श्योर है सर ये कॉन्वेक्स लेंस ही है, अगर कॉन्वेक्स है इसी को क्या बोला जाता है, कॉन्वर्जिंग लेंस, परफेक्ट है, ओके परफेक्ट है ठीक है। अब मेरा आपसे कोई ये है क्या, ये कैमरे की बात चल रही है ठीक है, कैमरे में ये ऑब्जेक्ट है फोकस करते हैं और कैमरे में जो स्क्रीन का जो काम कर रहा है, जो यार लिखा भी हो पढ़ लेना आपका नीचे लिखा है, यहाँ पर लिखा भी होगा, ये रहा फोटोग्राफिक फिल्म है, ये आपके लाइट सेंसिटिव सर्फेस पर काम करती है, बहुत सिंपल है, तो फिल्म है यहाँ पर क्या स्क्रीन की तरह काम कर रहा है, स्क्रीन पे क्या बनती है बेटा, स्क्रीन पे इमेज बनती है, परफेक्ट है। मेरा आपसे क्वेश्चन पूछू, हमारे आंखों के अंदर भी लेंस होता है कॉन्वेक्स है, तो यहाँ पर स्क्रीन का काम कौन करता है, तो सुन लो वैसे डिलीट हो गया, ये काम करता है रेटिना, रेटिना क्या आपका लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है ठीक है, लाइट है जब यहाँ पर लाइट फॉल होती है तो यहाँ पर एक इमेज बनती है ठीक है, तो रेटिना स्क्रीन की तरह काम करती है, तो जिस तरह रेटिना में, जिस तरह रेटिना आपके ह्यूमन आई में स्क्रीन की तरह काम करती है, वैसे ही इस कैमरे के जो अंदर जो फिल्म है वो स्क्रीन की तरह काम करते हैं, परफेक्ट है। अब करते हैं क्वेश्चन, आपकी देखो मर्जी है, इस कहानी को पढ़ भी सकते हो और नहीं भी पढ़ सकते हो, और ये रहा पहला क्वेश्चन, द अबव रे डायग्राम शोज द इमेज फॉर्मेशन इन अ फोटोग्राफिक कैमरा, कौन सा लेंस है, वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल से कौन सा आपका, सर ये तो कॉन्वेक्स ही है, ये तो कॉन्वेक्स लेंस ही है, कैसे पता चला कि आपने कुछ फिगर ना सर देखा कि रियल इमेज है और रियल इमेज आपका कॉन्वेक्स ही बनाते हैं, और साथ में कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में ना जब आपकी रेज पैरेलल से आती है, जब आपकी रेज इंफिनिटी से आती है तो एक्चुअल मीट करती है, और जब भी एक्चुअल मीट करेंगे तो इसे क्या बोला जाता है बेटा, इसी को बोला जाता है रियल फोकस है, तो आप क्या बोलोगे, परफेक्ट है, आप बोलो कन्वर्जिंग लेंस विद रियल फोकस इज द परफेक्ट आंसर है। अब इसी के सेकंड क्वेश्चन करते हैं, द वर्किंग ऑफ अ कैमरा इज सिमिलियर टू द वर्किंग ऑफ आवर आई, चलेगा इन आवर, और इन आवर आई द इमेज इज फॉर्म ऑन रेटिना कंसिस्टिंग ऑफ न्यूरॉन्स या नर्व सेल, द पार्ट ऑफ कैमरा विच इज रिस्पॉन्सिबल टू रेटिना, बहुत सिंपल, स्क्रीन की तरह काम कौन कर रहा था, दैट्स द आंसर, द फिल्म, बोलो हाँ या ना, यस। अब करते हैं थर्ड पार्ट, सम लाइट सेंसिटिव केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म है, आगे जाओ, अंडरगो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो क्या यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, क्लास चैप्टर नंबर 1 की याद आई, एक रिएक्शन था AgCl2 जब सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है या फिर डिकम्पोज होता है क्या बन जाता है, Ag+ में Cl2 है, मुझे बताओ इसे, इस रिएक्शन को किसके अंदर कंसीडर किया जाएगा, एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर 2 बन रहे हैं, तो सर डैम श्योर है, डैम श्योर है, बोलो क्या आपका, सर ये है आपका, बोलो क्या, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है ना, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है कि सर जब इस सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, इसी को आपसे कह रहा है कंपाउंड क्या है और टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आंसर क्या, अगर AgCl2 ना हो तो AgBr2 से भी काम चल जाएगा, दैट्स द आंसर, सिल्वर ब्रोमाइड एंड वॉट
डिकम्पोजिशन रिएक्शन चलेगा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या आप मुझे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का, क्या आप सब मुझे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, जरूर देना, बहुत खुशी होगी। अब बढ़ते हैं फोर्थ में, एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। आपको याद होना चाहिए जब हम सीबीएसई के पीवाईक्यूज कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज है, ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस का बढ़ा दिया। तो ध्यान देना, जब भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो आपका इमेज डिस्टेंस क्या हो जाता है, कम। फिर से बोलो, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बढ़ाया तो इमेज डिस्टेंस क्या, कम, है ना। अगर आपके पास, मुझे पता, देखा था कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स में क्या कर रहे हो आप, ऑब्जेक्ट को दूर लेके जा रहे हो, क्यों, ऑब्जेक्ट को क्या है, लेंस से दूर लेके जा रहे हो, इट मींस आप उसको इंक्रीज कर रहे हो। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है, जो फिल्म होगा, देखो ऑब्जेक्ट को आप डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो तो पक्का इमेज डिस्टेंस क्या होगा, कम ना। अगर इमेज डिस्टेंस कम होगा तो जो ये फिल्म है जहां पर इमेज बनती है वो इसके पास लाना पड़ेगा या इससे दूर। सर ऑब्वियस सी बात है, दूर लेके जाओगे तो इमेज डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन आप क्या चाहते हो, ऑब्वियस सी बात है, यू बढ़ेगा तो वी घटेगा, वी घटेगा मतलब जो स्क्रीन है, जो फिल्म है, उसको लेंस के पास की दूर, सर डैम शो लेंस के पास, क्यों, लेंस के पास नहीं लाओगे तो इमेज डिस्टेंस कम कैसे होगा। That's the answer. बोलो क्या है कि सर इसको क्लोजर टू द फिल्म लेके जाना पड़ेगा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर इस केस में ये बोलता कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कम कर रहा है, फिर सुनना, यहां बढ़ा रहा ना, देखो लिखा इंक्रीज है, मैं बोलता कि अगर डिक्रीज करता, सोच के बोलना, इस फिल्म को लेंस के पास लाते की दूर, आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन पे। और क्या कह रहा है फिफ्थ पार्ट में, सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पस, दे आर कौन कौन से, कैमरा सुना है, टेलीस्कोप सुना है, माइक्रोस्कोप सुना है, स्पेक्टिकल सुना है, और क्या कह रहा है, दोस विच कैन बी कंसिडर्ड एज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो लाइट से संबंधित है। तो सर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऑल ऑफ देम इज द परफेक्ट आंसर। बोलो हाँ, यस सर। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 20th और इसके बाद आपका सेक्शन ए ओवर हो जाएगा, और इन पांच क्वेश्चन पे 17th, 18th, 19th, चार क्वेश्चन आपने 20 मार्क्स पक्के करने हैं, एक भी मार्क्स नहीं कटने चाहिए। आ जाओ, सेम वही किसकी बात चल रही है, यहां बात चल रही है इलेक्ट्रिसिटी, ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट चैप्टर होना चाहिए, परफेक्ट है। और यहां पर मेन इलेक्ट्रिसिटी है और यहां पर हीटिंग इफेक्ट की बात चल रही है। सुन लो क्या कहते हैं कि मान लो सपोज कि आपके पास कोई सर्किट है जो कि प्योरली कैसा है, प्योरली रेसिस्टिव है, इट मींस सिर्फ रेसिस्टेंस ही है, प्योरली रेसिस्टिव है, और आपने कोई बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई दे रखा है और यहां पर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो क्या कहता है कि अगर प्योरली रेसिस्टिव है तो यहां से आप, यहां से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो या आपने जो इलेक्ट्रिक करंट दिया, वो सारा का सारा हीट की फॉर्म पे क्या होता है, डिसिपेट होता है, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ऑब्वियस सी बात है, हीटिंग कहीं डिजायरेबल है, कहीं अनडिजायरेबल है। अगर इलेक्ट्रिक आयरन की बात की जाए, डिजायरेबल है, आपके हीटर की बात की जाए, डिजायरेबल है, बहुत जगह आपके जो टोस्टर, डिजायरेबल, लेकिन आपके अगर बड़े बड़े अपैरेटस को खराब करने की बात हो तो अनडिजायरेबल है। क्या पूछा गया, क्या पूछा गया, ओके अच्छा एक सेकंड मैं इसको रब करता हूं, ठीक है, रब करता हूं, ओवरलैप हो गया, मैं इसको रब करता हूं, जवान सेकंड माय डियर, ठीक है। आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है दादा, सुनो ये काफी इंटरेस्टिंग, अच्छा क्वेश्चन, देखो आपसे एंड में बोला गया साफ साफ कि ना मटेरियल्स जिसको आप हीटिंग एलिमेंट की तरह, जिसमें करंट पास होगा, हीटिंग एलिमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए और वो ऑक्सीडेशन से फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बाहर छोड़ दिया और बाहर से जो एयर आ गया वो उसे ऑक्सीडाइज कर दे, तो फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन होना चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन हो जाता तो बर्न हो जाता ना, तो उससे फ्री होना चाहिए, मतलब वो नहीं होना चाहिए, ध्यान देना, फ्री फ्रॉम मतलब नहीं होना चाहिए। तो और क्या है, और हाई टेंसाइल है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है कि जैसे कोई सब्सटेंस है ना, उसको ब्रेक करने से, उसको टूटने से पहले जितना फोर्स मैक्सिमम बियर कर सकता है उसी को टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं, और हाई रेसिस्टिविटी, परफेक्ट है। आपसे क्या कह रहे हैं, The suitable properties of heating element are listed in the above paragraph. Okay, if the second property, जो कि था free of oxidation, ये ढंग से function ना करे, तो obvious ही बात है, वो burn हो जाएगा, है ना? बाहर से कोई आएगा, oxidation हो जाएगा, chemical reaction हो जाएगा, और ये undesirable है। देखो मतलब इसका मतलब ये है कि oxidation नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि अगर free from oxidation वाला काम ना करे, तो obvious ही बात है, oxidize हो जाएगा, burn हो जाएगा। क्या बोला हुआ है कि देखो मोर देन वन करेक्ट आंसर है कि कैन बर्न, ठीक है कि ऑब्वियसली बात है बर्न हो जाएगा, कैन फॉर्म ऑक्साइड, यस बिकॉज बाहर से एयर आएगा और एयर में ऑक्सीजन दोस्ती कर लेगा, आगे कैन अंडरगो अनडिजायरेबल, ऑब्वियसली बात है
कि सर अनडिजायरेबल ही तो है, लास्ट क्या है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो ये भी ठीक, ऑल ऑफ द फोर इज द परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया कि अगर ये वाला फंक्शन ना करे ये वाला तो क्या होगा, तो सारी बातें होंगी अनडिजायरेबल, क्यों, बिकॉज नहीं चाहिए होगा ना। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन, द अबव डायग्राम, ओके ओके, देखो क्या आपके पास क्या दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा है यहां पर है क्या, यहां पर आपके पास है एक बीकर और इस बीकर के अंदर आपने क्या ले रखा है, वाटर, परफेक्ट है, और इस वाटर और यहां पर क्या है, यहां पर एक कॉइल है जो कि मान लो कि सपोज कि नाइक्रोम से बना है, जो कि नाइक्रोम से बना बिकॉज इसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है, ज्यादा हीट को ये टॉलरेट भी कर सकता है, परफेक्ट है। अब होगा क्या, यहां से आपने बाहर से बैटरी दे दिया तो करंट फ्लो करेगा, किससे, करंट फ्लो करेगा इस कॉइल से, और जब करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, इसमें हीट बनेगा, और हीट बनेगा तो आपका जो वाटर बॉयल होगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है ना, हीटिंग बढ़ा रहे हो तो वाटर बॉयल होगा या जो भी आपका गर्म होगा, तो इससे क्या होगा, और ये आप सेंस कर रहे हो किससे, आपका थर्मामीटर से, और यहां पर क्या है, स्टीरर जिससे कर रहे हो, परफेक्ट है, आपसे क्या कर रहे हैं। अब मुझे बताओ इससे मेन जो हीटिंग एलिमेंट है, ये जो आपका हीटिंग एलिमेंट है वो कौन, किस, कौन काम कर रहा है, हीटिंग एलिमेंट का काम यहाँ कौन कर रहा है, सर डैम श्योर है कॉइल कर रहा है, वही पूछा गया था। द अबव डायग्राम इज सेटअप ऑफ एन एक्टिविटी टू शो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, पार्ट ऑफ द सर्किट विच इज द हीटिंग एलिमेंट, आंसर क्या है, कॉइल, परफेक्ट है, यस नो के, आगे बढ़ते हैं, और इसी के थर्ड पार्ट में क्या बोला है, देखो आप मुझे बताओ आपसे क्या बोला हुआ है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कैन बी इंक्रीज बाय, सर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू पे आर इंटू पे टी चलेगा, तो अगर हीटिंग को चेंज करना है तो आई को चेंज कर दो या आर को चेंज कर दो या फिर टाइम को चेंज कर दो, परफेक्ट है, और मुझे बताओ कि ये ठीक है, इसके साथ और क्या सीखना है, मोर टू लर्न, कि सर मुझे पता कि ओम्स लॉ क्या बोलता है कि वी इज प्रोपोर्शनल टू द आई, तो अगर आपको आई को चेंज करना है ना, आई को चेंज करना है तो आप वोल्टेज को भी चेंज कर सकते हो, अगर वोल्टेज को चेंज करोगे तो आई भी क्या होगा, चेंज है, और वोल्टेज दोनों कैसे होते हैं, ओम्स लॉ ने बोला कि दोनों हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर वी को बढ़ाओगे तो आई बढ़ेगा, वी को डिक्रीज तो आई डिक्रीज चलेगा। आपसे बताओ पहला क्या, इंक्रीजिंग द वोल्टेज, खुद सोचना, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली अगर वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो आई इंक्रीज होगा, और आई इंक्रीज होगा तो मुझे पता कि एच और आई डायरेक्टली है तो पक्का हीट तो इंक्रीज होगा, इट मीन्स ये तो है। नीचे आ जाओ, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, नहीं सर वाटर से क्या मतलब, वाटर तो सिर्फ ये है कि बॉयल हो रहा है, परफेक्ट है, हटा दो। चेंजिंग द थर्मामीटर, इलॉजिकल बातें, थर्मामीटर से क्या होगा, तो सिर्फ मेजर कर रहा है। आ जाओ, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कॉइल, माय डियर लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो, अगर लेंथ को इंक्रीज करोगे तो सर रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब आपके पास ये नाइक्रोम वायर है, इसके आपने लेंथ को इंक्रीज कर दिया, लेंथ को इंक्रीज करना, आर को इंक्रीज करना, आर को इंक्रीज करना, आर और एच कैसे हैं, डायरेक्टली हैं, तो आपका एच भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इट मींस ये भी ठीक है। द फर्स्ट एंड फोर्थ इज द परफेक्ट आंसर, क्या बात, बहुत मजा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब बढ़ते हैं इसी के फोर्थ की तरफ, स्टडी द, ओके ओके, सब समझो समझो, परफेक्ट है। आपने क्या सीखा सर, एच इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू पे आर इंटू पे टी होता है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पर जो एच है वो आपके आर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के, ठीक है, और एच जो है वो सो सॉरी आई के स्क्वायर के, जब बोलिए आपका आई स्क्वायर के डायरेक्टली आपके पास आई स्क्वायर के, और बच्चे आपका आर के है, और आपका एच जो है वो टी के, चलेगा, परफेक्ट है। तो आप मुझे देखते हैं क्या कह रहा है, देखो इस केस में क्या हुआ, ये ना देखो, मान लो कि पहले नॉर्मल ना एच इक्वल टू आपका आई स्क्वायर आर टी है, आप कुछ छेड़खानी कर रहे हैं, क्या किया कि सर रेसिस्टेंस को डबल कर दिया, इट मीन्स आपने इसको डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया, तो क्या होगा आपका आई स्क्वायर इंटू पे क्या होगा टू आर है ना, तो पक्का चेंज होगा एच डैश और इंटू पे टी है, तो टू बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका टू इंटू पे आई स्क्वायर इंटू पे आर इंटू पे टी, इट मीन्स क्या हो गया सर ये पहले के मुकाबले डबल हो गया ना, तो चेक करो डबल हो गया, परफेक्ट है, यस नहीं जाएगा, परफेक्ट है। यहाँ जो देखो ना, देखो टू आई स्क्वायर आर टी, टू आई स्क्वायर आर टी चलेगा, सेम वही कहानी, अब हमने करंट को डबल कर दिया, जब करंट को डबल करोगे तो आई के प्रोपोर्शनल है, सॉरी स्क्वायर के रचना, तो आपने क्या किया सेम सर इसको डबल कर दिया, तो होगा क्या सेम एच डैश हो जाएगा टू आई का स्क्वायर है ना इंटू पे आपका आर इंटू पे टी है, तो ये हो जाएगा बोलो क्या फोर आई का स्क्वायर इंटू पे आर इंटू टी है, इट मीन फोर टाइम्स हो जाएगा, वही बातें लिखी हुई है, परफेक्ट है। नीचे कौन सा इनकरेक्ट है, ये वही आर बाई टू है, जब आप आर बाई टू करोगे आर को आधा, तो एच जो है आर के प्रोपोर्शनल है, अगर आपने एच जो है आर के प्रोपोर्शनल है, आर को आधा किया तो हीटिंग भी क्या हो जाएगी आधा, इट मीन क्या दिख रहा है सभी को दिख रहा है आपका आधा हो चुका है, और लास्ट क्या कह रहा है आपने करंट को आई बाई टू कर दिया, जब करंट को आई बाई टू करोगे तो इसका तो स्क्वायर ना, देखो फॉर्मूले पुट कर, फॉर्मूले पुट किया जाए एच डैश क्या हो जाएगा आपका सर आई स्क्वायर है, तो इट मीन आई बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा इंटू पे आर इंटू टी, इट मीन क्या होगा
सर जब 2 का स्क्वायर होगा ना तो ये 1 बाय 4 हो जाएगा, 1 बाय 4 हो जाएगा। अब ऑप्शन को चेक किया जाए, 1 बाय 4 नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, 1 बाय 2 हो रहा है। दैट्स द रॉन्ग आंसर, इट मींस ऑप्शन डी जो है रॉन्ग है, बाकी सब फॉर्मूले से मैच कर रहे हैं और चेंज के अकॉर्डिंग हीट भी चेंज हो रहा है, लेकिन डी वाले को तकलीफ है, दैट्स इट। अब बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ, और ये रहा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग गिव्स द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाय द फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस आर विल बी अफेक्टेड बाय, और ये रहा सामने, पहला मटेरियल ऑफ द वायर, वोल्टेज, करंट। अब खुद सोचो किसी एक गिवन एपरेटस के लिए, गिवन एपरेटस के लिए आपका जो वोल्टेज सेम होगा, फिगर को देखो, चलो क्या कंफ्यूज नहीं होना, फिगर को देखो, ये एक गिवन एपरेटस है, यहाँ पर जो बैटरी है ये बच्चे क्या फिक्स ना, ये फिक्स है, ऑब्वियस बात है यार ना, परफेक्ट है, तो यहाँ पर है क्या, तो पक्का V तो फिक्स है, V फिक्स है, अगर V फिक्स है तो I फिक्स है ना, अगर V अपने नीचे क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो I भी क्या हो जाएगा, I भी आपका कांस्टेंट हो गया, परफेक्ट है, बोलो हाँ क्या, तो इट मींस V और I तो इफेक्ट नहीं करेंगे, था ना, हटा दो, हटा दो। अब इंसुलेशन ऑफ द वायर बात है, और बच्चे क्या बचा, क्या यस मटेरियल में, और मुझे पता कि सर रेसिस्टेंस जो है वो आपका मटेरियल में डिपेंड करता है, या ना नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर है, दैट्स द परफेक्ट आंसर। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर 5 में से किसी एक पार्ट में कंफ्यूजन हो उसको छोड़ के दूसरा करना, समझ रहे हो चेक है, और एग्जाम में करो कैसे ऐसे कि मानो सब क्वेश्चन 20 आप डाला ऐसे कि फर्स्ट है ना सेकंड, और मानो कि आपको थर्ड नहीं आता छोड़ दो, फोर्थ करो और आपका फिफ्थ, ऐसे करना है, ये नहीं कि लाइन वाइज कर रहे हो, ऐसा ना 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 ऐसे करना है। और मैं चाहता हूं कि ये 20 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन में गड़बड़ी ना हो, 20 ये 3 आपके अस सेशन, दैट मींस आपके 23 तो एमसीक्यूज ही आने वाले हैं, 23 में 23 लाने भैया, एक भी मार्क्स कट नहीं करने, प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो, यस सर कर रहे हैं। अब करते हैं सेक्शन ए, यहीं खत्म होता है, अब चल रहे हैं सेक्शन बी की तरफ, 1 2 3 एंड गो। तो यहां से सेक्शन बी की स्टार्टिंग होती है, और यहां पर सेक्शन बी का हर एक क्वेश्चन दो दो मार्क्स का है। पहला क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग न्यूट्रिशन इन अमीबा, कहां से स्टार्टिंग होती है, पहले फूड को अंदर लेते हैं और इसी प्रोसेस को इंजेशन बोला जाता है, ऑफ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसे बाहर निकाला जाता है और इसी को क्या बोलते हैं, इजेशन। परफेक्ट है, जब भी बायोलॉजी का क्वेश्चन आएगा अगर डायग्राम है एनसीईआरटी बुक में तो ट्राई करना कि डायग्राम से ही मतलब जो है एक्सप्लेन करना, साथ में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, ये आपके पास अमीबा, इसके जो बाहर का जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसे बोलते हैं आपका सीडोपोडिया, लिखा भी होगा, देखो क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया है ये, बेसिकली क्या है, फॉल्स फीट होते हैं, इसको फॉल्स फीट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्सटेंड करते हैं बाहर जो फूड है, जो बाहर जो फूड है उसको इसके अंदर ले लेते हैं, जैसे ही अंदर ले लेगा तो ये फूड कहां जाएगा, उसके बाद फूड जाएगा उसके फूड वैक्यूल में, और यही फूड वैक्यूल में क्या होगा, डाइजेशन टेक्स प्लेस करता है। ये क्या चीज है, डाइजेशन माने क्या, जो भी कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स जो है वो सिंपल में कन्वर्ट होगा, जब कन्वर्ट होगा जो भी यूजफुल था वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और वहां से पूरे सेल में जाएगा, जहां पर एसिमिलेशन के द्वारा एनर्जी बनेगा, और जो बेकार था वो आपका बाहर आ जाएगा, कौन से प्रोसेस से, आपका इजेशन प्रोसेस से। सेम यही कहानी, सेम यही कहानी आपके ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होती है, विद द हेल्प ऑफ क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज कॉम्प्लेक्स मशीन हमारी बॉडी, इसलिए ठीक है। अब इसी को एक्सप्लेन कर रखा है, देखो यहाँ सीडोपोडिया का एक्सटेंशन हुआ, फूड को अंदर लिया, फूड कहाँ गया, फूड वैक्यूल में, क्या हुआ वहां पर, डाइजेशन हुआ, कॉम्प्लेक्स सिंपल में कन्वर्ट हुआ, फिर कहाँ गया, डिफ्यूजन से आपका साइटोप्लाज्म में, देन जो अनडाइजेस्टिव फूड था सरफेस में फिर बाहर चला गया, और ये पहला स्टेप आपका इनजेशन है ना, इंजेशन, और जो सबसे एंड वाला चाहिए कि आपके पास इजेशन चलेगा, हाँ ना। मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है, क्या इसी मोड को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है, आपको मैं हिंट देता हूं, होलोजोइक वो होता है जो कि डायरेक्टली फूड को अंदर ले लेता है और बाकी सब काम कहां हो रहे हैं, फूड के बॉडी के अंदर होते हैं, इसे बोलते हैं होलोजोइक, का सोचना आंसर मिल जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, क्या कह रहा आपसे, ओके आपसे अच्छा क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है बोलो क्या, द स्मॉल स्ट्रक्चर Present inside our lungs are playing important role to ensure the sufficient and fast availability of oxygen to all the body cells. अब इसी बात है, देखो है क्या, यहां से nasal cavity से आपका जो है air अंदर गया, जो कि ऑक्सीजन से अंदर गया, परफेक्ट करते 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 ये जो आपका जो ये दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, आपको ये सुनो क्या है, जो ट्रैकिया है, अब यहां से डिवीजन होगा और क्या होगा, कुछ ऐसे है ना जो दिख रहा है, क्या कोई डिवीजन होगा किसमें, आपका ब्रोंकियोल्स में, आपका ना ब्रोंकी है, और ब्रोंकी के जो छोटे छोटे डिवीजन है इसी को ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, और ब्रोंकियोल्स के सबसे एंड में कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर है, जहां पर क्या होता है, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस करता है। एक्सचेंज बोले तो क्या कि सर आपका O2 अंदर CO2 बाहर, O2 अंदर CO2 बाहर, वो कौन प्रोवाइड करता है, आपका एल्वियोलाई चलेगा,
और कैन नेम दिस स्ट्रक्चर से तो एल्वियोली ना, द एल्वियोलाई प्रोवाइड अ सरफेस एरिया वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। अब ऐसा क्या है इस एल्वियोलाई के पास जहां से इस प्रोसेस को बहुत ही इजीली कर पाता है? तो इस एल्वियोलाई के पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं और मुझे पता है कि ब्लड वेसल में क्या फ्लो करेगा, ब्लड, और उस ब्लड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करता है और कहां पहुंचेगा, सेल बाय सेल जाएगा, रेस्पिरेशन करेगा, एनर्जी बनेगा, साथ में CO2, और वो CO2 बाहर लेके आएगा लंग्स के पास, लंग्स का हार्ट के पास, हार्ट क्या जाएगा लंग्स का, लंग्स से बाहर चला जाएगा। तो वो ये देखा, देखो द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है। अब ध्यान दो, द ब्लड ब्रिंग्स CO2 ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इन टू द एल्वियोलाई और एन ऑक्सीजन दे दिया जाता है। यस नो के, तो CO2 बाहर आ जाता है और O2 अंदर, कुछ इस तरीके से साइकिल चलता है, परफेक्ट है, जो कि आपने डबल सर्कुलेशन पढ़ा होगा। तो इस तरीके से आपका जो एल्वियोलाई है वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस करता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। स्टेट द टू प्रोसेस इन प्लांट्स ड्यू टू विच ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज पॉसिबल फ्रॉम सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी है। दो पॉइंट्स में आपको आंसर को लिखना है। जो पहला फिगर है ठीक है, ये दिखा रहा है रूट प्रेशर को, ये बोलो कि आपका रूट प्रेशर को दिखा रहा है। जो सेकंड फिगर है साफ सा मेंशन भी है, वो किसको है आपका ट्रांसपिरेशन को शो कर रहा है। ठीक है, समझना चाहिए क्या रूट प्रेशर में क्या होता है कि मान लो आपके आसपास जो सॉइल है, इस सॉइल में आपके क्या है, आपके आयंस है, तो इस आयंस को रूट हेयर्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। मान लो कि आयंस ये गया इस तरीके, ठीक है, ये एब्जॉर्ब होगा ऊपर चला गया, जब ये गया तो यहां पर क्या हुआ, इस रीजन पर, इस वन सेकंड लेट मी चेंज द कलर, इस रीजन पे क्या हुआ, इस रीजन पे क्या है, इस रीजन आपके आयंस बढ़ गए, आयंस बढ़ गए मतलब क्या बढ़ गया, सल्यूट बढ़ गया, है ना, आपका सल्यूट बढ़ गया। तो यहां पर क्या होगा, अब इस डिफरेंस को, इस सल्यूट के डिफरेंस को कम करने के लिए नीचे से वाटर क्या होगा, नीचे से वाटर यहां जाएगा जहां जहां पर आयंस बढ़ गया, सेम वही कहानी, फिर ये और ऊपर, फिर ये और ऊपर, फिर ऐसे वाटर करते 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 ऊपर, परफेक्ट है। तो आयंस के द्वारा जो रूट पे प्रेशर डिफरेंस हुआ, उस तरीके से वाटर्स और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसी को बोलते हैं रूट प्रेशर। चलेगा यहां पर आ जाओ, अब यहां पर क्या है सर, ये ट्रांसपिरेशन, मुझे पता कि प्लांट के जो लीव्स की सरफेस है वहां छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उसी पोर से जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर का क्या होगा, एक्स्ट्रा वाटर का यस आपका लॉस होता है और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसपिरेशन, है ना। और यहां पर जो है ट्रांसपिरेशनल पुल काम आता है, ट्रांसपिरेशनल पुल काम आता है, परफेक्ट है। तो इन दो प्रोसेस से आपका क्या है, वाटर्स एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, रूट प्रेशर और आपका जो ट्रांसपिरेशन पुल, कौन सा नाइट के समय, कौन सा नाइट के समय एक्टिव होगा, आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्या कह रहा आपसे, आपसे कह रहा कि हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। ध्यान से देखा जाए C4H8, परफेक्ट है सर, ये तो कुछ ऐसा है CnH2n, और ये कौन से परिवार का होता है सर, ये तो अल्कीन परिवार का जनरल फॉर्मूला है। इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, कितने कार्बन, चार ना, 1, 2, 3, 4। जैसे आपने ये पहचाना कि सर अल्कीन से है, पक्का किसी दो कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, डबल, तो डबल बॉन्ड कर दो, बाकी में सिंगल सिंगल चलेगा। आपके 8 पूरे करने, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, परफेक्ट है। 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, परफेक्ट है। 4, 2, 6 और 2, 8, परफेक्ट है। 4, 2, 6, 2, 8 बन गया। ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। और नाम क्या है, वेरी सिंपल सर, बोलो क्या है, कितने कार्बन है, 4, 1, 2, 3, 4, तो बुट आएगा, परफेक्ट है। और एक डबल बॉन्ड है तो बुट प्लस में इन क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा बुटीन। दैट्स द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बताओ कि अगर ये बुटीन है तो इसी का कार्बन के चार, कार्बन चार होने चाहिए और वो अल्केन परिवार से होना चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इसका आंसर जरूर देना। कहां पर, कमेंट सेक्शन में बढ़े। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। स्टेट द रिजल्ट, अच्छा ओके, यहां पर इसकी दो पार्ट से, पार्ट्स नहीं सॉरी, और में है क्वेश्चन एक, आपसे क्या कह रहा है, स्टेट द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड एसिड। बहुत सिंपल है कि सर जब भी किसी मेटल्स को किससे बढ़ाया जाता है, आपका एसिड से, तो क्या बनता है बेटा, आपका क्या बनेगा, डाइल्यूट एसिड से, तो आपका बनता है सॉल्ट ना, सॉल्ट प्लस में कौन सा गैस बनेगा सर, प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, परफेक्ट। ध्यान देना कि मेटल प्लस में एसिड, ये पढ़ाओ केमिकल प्रॉपर्टीज में, सॉल्ट प्लस H2। और क्या कह रहा है, कौन सा एसिड इस एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट को नहीं देगा, तो वो है आपका नाइट्रिक एसिड। आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा कि जो नाइट्रिक एसिड वो क्या है,
कि सर नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना, परफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो करता क्या है, देखो एस टू बनता तो है, समझ लो क्या, सपोज ये M कोई मेटल है, प्लस में आपका HNO3 है, यहाँ पर ना सॉल्ट तो बनेगा, सॉल्ट बनता है, लेकिन जो H2 बनेगा ना, इस H2 को ये जो HNO3 है वो क्या देगा, आपका ऑक्सीजन है, और इसको ऑक्सीडाइज करके H2O बना देता है, परफेक्ट है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसा इसलिए कर पा रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा सर, आंसर ये है, परफेक्ट है। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, मुझे आप बताओ इस हाइड्रोजन गैस को कैसे आप कंफर्म करोगे, इसके टेस्ट का नाम क्या होता है, और नीचे वाले में कि सर नाइट्रिक एसिड इस रिएक्शन को नहीं देगा, क्यों, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहाँ पर दो एक्सेप्शन है, ऐसे कौन से दो मेटल्स हैं जिसको एसिड से लपेटे पर, मतलब जिसको नाइट्रिक एसिड से लपेटे पर हाइड्रोजन गैस दे देता है, इसका आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन में, चलेगा, आ जाओ। What will be observed when sodium metal or calcium metal को water से लपेटा जाएगा, same वही कहानी है, chemical properties of metals है ना, perfect है। तो sodium आपका, तो sodium बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत reactive है, तो Na जब water से react करते हैं तो फटाफट से क्या बन जाते हैं, sodium oxide plus में आपका H2 plus में यहाँ पर heat energy बनाते हैं। उसके बाद क्या होगा, फिर ये जो Na2 है, जो आपका Na2 है, ये फिर से क्या करेगा, ये वाटर से कंबाइन करके क्या बन जाता है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2 प्लस में हीट एनर्जी है। तो ये आपका फाइनल रिएक्शन है, आपका बोलो क्या है, ये आपका फाइनल रिएक्शन, परफेक्ट आपका। तो Na प्लस में H2O क्या बनेगा, Na प्लस में H2O आपका NaOH प्लस में H2 प्लस में हीट एनर्जी, परफेक्ट है, इसमें क्या है, बोलो हाँ या ना, यस सर। और जो कैल्शियम से वही कहानी है, कैल्शियम प्लस में वाटर क्या बन जाएगा बेटा, परफेक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2 प्लस में आपका हीट एनर्जी, चलेगा सर, दौड़ेगा ना, ओ नो 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 नो, यहाँ पर इतना हीट नहीं बनता, बिकॉज ये लेस वायलेंट होता है, क्यों, बिकॉज कैल्शियम इतना रिएक्टिव नहीं है। तो ये अब ध्यान देना, ये वाला बहुत ही हाईली 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 वायलेंट होता है, लेकिन नीचे वाला इतना नहीं होता है, परफेक्ट है। और क्या कह रहा है, नेम द प्रोडक्ट्स लिख दिया आपने एंड द ऑब्जर्वेशंस है, तो इस वाले केस में आपका जो H2 इवॉल्व होगा यहाँ भी होगा, परफेक्ट है, और यहाँ भी होगा, लेकिन इस वाले केस में क्या है, हीट एनर्जी बनता है, और यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन बना ना, हाइड्रोजन इसकी सरफेस से स्टिक हो जाते हैं, और जो कैल्शियम ना फ्लोट करना चालू हो जाता है, और गाना गाएगा, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, परफेक्ट है। आगे बढ़े, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आपका Fe हॉट वाटर चेक करना, क्या आपका वो आता नहीं आता कि Fe आपका हॉट वाटर या फिर कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता, आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन पे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, क्या दिख रहा है, द पिक्चर शोज वन नेचुरल इल्यूजन, इल्यूजन क्या होता है, जो चीज होती नहीं लेकिन दिखती है, कैसे, आपको पता होना चाहिए, जो स्टार्स होते हैं एक्चुअल में स्टार ट्विंकल नहीं करते, ये ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से आपको ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, परफेक्ट है। ऐसा क्यों, बिकॉज जब स्टार से, आप फिगर को देखो, जब स्टार से आपकी रेज ऑफ लाइट आपके आंखों तक पहुंचती है तो बहुत बार उसका रिफ्रैक्शन हो रखा होता है, क्योंकि जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो अंदर अंदर ऐसे बेंड होता चला आता है, क्यों, बिकॉज अर्थ का एटमॉस्फेयर यूनिफॉर्म नहीं है। तो अगर देखो एटमॉस्फेयर नहीं होता तो बेंडिंग नहीं होती, लाइट सीधा पहुंचता, परफेक्ट है। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो इसी की वजह से जो है आपके जो एक्चुअल की जो स्टार की पोजीशन यहाँ पर है वो यहाँ पर नजर आती है, और इसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, यस एग्जैक्टली, सोचो यस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। एंड बच्चे पार्टी, यहाँ पर मैं सिर्फ आंसर्स को वेरीफाई कर रहे हैं और बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर इसके रिगार्डिंग डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो ज्ञानी गीडा के प्लेटफॉर्म पे हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को ग्रेट डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको आता है तो वेरी गुड, ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पर है क्या, जब नीचे आते हैं, जब रे ऑफ लाइट नीचे आती है तो होगा क्या सर, यहाँ पर ना अर्थ का जो एटमॉस्फेयर वो डेंसर होता चला जाता है, अगर डेंसर होगा तो क्या इंक्रीज होना चलता है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका इंक्रीज होते चला जाता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, परफेक्ट है। तो ये कह रहा था कि इसका आंसर ये हो गया, द डाउनवर्ड एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी का रोल क्या है सर, ये देखो ये है कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इसे इस रोल इन द अकरेंस ऑफ दिस इल्यूजन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होगा सर, कंटिन्यूअसली चेंज होता है, ये आपका कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करता है, अगर फ्लक्चुएट करेगा तो सर यहां पर बोलो क्या, एक तो जो लाइट स्टार की जो एक्चुअल पोजीशंस हैं और जो अपरेंट है वो अलग अलग होगी, साथ में जो ऑब्जर्वर यहां पर है, कभी आपको जो स्टार है वो थोड़ा चमकीला, कभी जो ये बॉडी है ना बॉडी वो चमक, मान लो सबको ऐसा फिर हल्का सा फिर ऐसा फिर हल्का सा ऐसा लग रहा ज्यादा फिर कम ज्यादा कम, तो ये क्या होगा, इसके वजह से आपको ट्विंकल करता हुआ नजर आएगा, ट्विंकल करता हुआ स्टार नजर आएगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, परफेक्ट है, बोलो हाय ना, यस। क्वेश्चन है आपसे, मुझे बताओ कि एडवांस सनराइज
सनराइज और डिलेड सनसेट, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट क्या इसी चीज की वजह से होते हैं, क्या इसी आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन से होते हैं? आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्या कह रहा आपसे क्वेश्चन नंबर 27 सामने है, आपके पास दो कंडक्टिंग वायर, कौन कौन सा, एक तो ए और एक बी है, और सेम मटेरियल के हैं और सेम लेंथ के, ध्यान देना सेम मटेरियल के हैं और आपके सेम लेंथ के हैं, परफेक्ट है। और वायर जो है अच्छा, ये जो ए वायर है वो आपका ट्वाइस है, मींस ये इसका जो एरिया है ना, इसका जो एरिया वो इससे ज्यादा, मींस इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया क्या है कम, परफेक्ट है। ये आपका थिक है, ये आपका मैंने कुछ गलती करी क्या, अच्छा, परफेक्ट, इसे बी मानो, इसे ए मानो, ठीक है, वन सेकंड, इसे जो लिखा ना वायर भी थिक है, वायर भी थिक है, इसे बी मानो और इसको ए मानो। अब मुझे बताओ कि आपका कह रहा है कि इन विच केस द फ्लो ऑफ करंट विल एक्सपीरियंस लेस रेसिस्टेंस, किसमें रेसिस्टेंस आपका, मतलब किसमें जो करंट वो इजिली फ्लो करेगा, वेरी सिंपल, आपका इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में आपका एरिया ज्यादा है ना, एरिया ज्यादा है और यहाँ पर एरिया बोलो क्या कम है, आपको पता होना चाहिए। फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स है, इसे जो रेसिस्टेंस है ना वो आपके एरिया के कैसे होते हैं, एरिया के इनवर्सली, मतलब क्या है कि अगर एरिया को इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा और एरिया को डिक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस आपका इंक्रीज होता है, परफेक्ट है, परफेक्ट है सबका, यस। तो बताओ मुझे ए ज्यादा है तो इसका रेसिस्टेंस कम और इसका रेसिस्टेंस ज्यादा, अगर इसका रेसिस्टेंस कम है, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द आर है, रेसिस्टेंस का कम होना करंट का बढ़ना, यस नो क्या, और एरिया का कम होना रेसिस्टेंस का ज्यादा, रेसिस्टेंस का ज्यादा होना करंट का कम हो जाना। तो मुझे बताओ करंट किस में, किस केस में इजिली फ्लो करेगा, सर इस वाले में, बोलो सर करंट, बोलो क्या लिखोगे, करंट विल फ्लो मोर इजिली इन वायर बी, चलेगा हाँ या ना, यस सर दौड़ेगा, परफेक्ट है, आगे बढ़े। चलो आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, और यहां से क्वेश्चन नंबर 27 से अब क्या स्टार्ट हो गए, अब आपके स्टार्ट हो गए 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो एक एक करके 3 मार्क्स के क्वेश्चन लपेटते हैं। क्या कह रहे हैं, 2 पी प्लांट्स हैं, एक आपके पास पर्पल फ्लावर है और एक आपके पास क्या है, व्हाइट फ्लावर्स है, आर अलाउड टू अंडरगो अ क्रॉस है। आप मुझे बताओ पर्पल फ्लावर्स है और व्हाइट है, तो ये जो कैपिटल है, कैपिटल ये स्मॉल है, कौन सा डोमिनेंट होगा, सर डैम श्योर है आपका पर्पल कैसा होगा, डोमिनेंट होगा, और ये रिस क्यों, बिकॉज डोमिनेंट को कैपिटल लेटर दिखाया जाता है। तो आपसे कह रहा है ए क्या है, अच्छा आई थिंक फिगर भी यहाँ पर, फिगर अच्छा फिगर है आपका जो कुछ ऐसा है, ये आपका पर्पल है और ये आपके पास व्हाइट है। तो हम क्या देखते हैं कि जब यहां से क्रॉस करवाया और आपके पास जो F1 जनरेशन आया, ध्यान देना चाहिए, आपके पास जो F1 जनरेशन आया उसमें सारे के सारे पी प्लांट उनके फ्लावर कैसे थे, वायलेट रंग के। और जब F2 कराया तो क्या देखा, जो 3/4 है, 3/4 कैसे थे आपके, पर्पल थे, 3/4 पर्पल थे, लेकिन जो 1/4 था वो कैसा था, व्हाइट था। तो क्या सीखा यहां से ये सीखा कि F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कौन कर पाता है, डोमिनेंट वाला कि रिसेसिव, तो आपका आंसर होगा सर डोमिनेंट वाला, तभी तो सारे पर्पल थे, परफेक्ट ना आपका। तो वही पूछा, राइट द रिजल्ट ऑफ F1, तो आप बोलोगे F1 पे सारे पी प्लांट के कैसे, पी प्लांट के फ्लावर जो थे वो आपके वायलेट रंग के थे, पी प्लांट हैविंग वायलेट फ्लावर, चलेगा। आप मुझे बताओ यहां पर अगर इसमें सारे थे लेकिन नीचे वाले पे जो है पर्पल, आपका जो रेशियो आया, देखो ऐसा ना, देखो रेशियो आया होगा कैपिटल पी फिर कैपिटल पी स्मॉल पी और स्मॉल पी रेशियो कितना आता है, 1:2:1, परफेक्ट है, ये पूछा हुआ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्लांट्स हैविंग कैपिटल पी, तो देखो गलती कर सकते हो बच्चा, इसे तुरंत ना 1:2:1 लिखना ना, कैपिटल पी कितना आपका, ये सर 1 है, तो अच्छा 1 आएगा, ये सर क्या है रेशियो, स्मॉल पी कितना सर बोल गया, सर ये 1 है, तो आंसर क्या होगा 1:1, चलेगा, बोलो हाँ है ना, यस सर। राइट द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द रिजल्ट, कि सर ये निकाला कि आपका जो पर्पल फ्लावर, जो पर्पल है, पर्पल फ्लावर कैसा आपका, पर्पल फ्लावर जो है वो कैसा आपका, सर डोमिनेंट है, यस नो क्या, ये जो कलर डोमिनेंट है, और आपका जो व्हाइट वाला है, जो व्हाइट फ्लावर है वो कैसा आपका, व्हाइट फ्लावर आपका रिसेसिव है। और आप पढ़ोगे क्लास 12th में कि इसी को बोलते हैं, इसी को एक लॉ का नाम दिया गया है, और लॉ को क्या बोलते हैं आपका, लॉ ऑफ डोमिनेंस, चलेगा सर दौड़ेगा, आगे बढ़े। आज क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, क्या कह रहे थे, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, आपसे कह रहा है कि बोलो क्या, गीता कलेक्ट्स अ हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम अवर हाउस, और क्या क्या पाया उसमें, वेजिटेबल पील्स, टी के लीव्स एंड स्मॉल पॉलिथीन फ्रॉम ग्रोसरी, एम्प्टी कार्टन्स, मेडिसिन बॉटल्स, ब्रोकन प्लास्टिक, ये सब ना, शी सेग्रीगेट्स देम एंड डिसाइड, सेग्रीगेट के अलग करा एंड डिसाइड देयर डिस्पोजल इन द बेस्ट पॉसिबल वे,
तो बच्चे सबसे पहले क्या पूछा गया, सबसे पहले पूछा गया आपसे कि why is segregation an essential, क्यों अलग कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा सर, इससे क्या होगा ना, एक तो आपका इससे टाइम इंक्रीज, आपको जो है टाइम सेव होगा, एक तो टाइम और एनर्जी दोनों ही बचेंगे, क्यों, बिकॉज आप सोचो, मुझे पता कि आपकी जो वेस्ट है वो दो कैटेगरी के अंदर आएंगे, एक ऐसा होगा सर, एक होगा आपके पास बायोडिग्रेडेबल, जिसको हम नेचुरल डिकम्पोजर्स ब्रेक कर देंगे, और एक ऐसा होता है, एक बच्चे आपका होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसको हम डिकम्पोज नहीं कर पाते, हमारे जो नेचुरल डिकम्पोजर्स परफेक्ट है, तो ऐसे में क्या है, तो इनको ना बाद में अलग करना पड़ेगा, तो इसलिए पहले अलग कर दो, है ना, ताकि डिकम्पोज, क्योंकि अलग इसका और इसका जो डिस्पोजल है अलग अलग है, क्योंकि इसका नीचे अलग है, इसका नीचे अलग है, तो टाइम बचेगा, साथ में एनर्जी भी सेव होगा ना, परफेक्ट है। सेकंड क्या है, व्हाट ट्रीटमेंट गीता वुड हैव गिवन टू वेजिटेबल पील्स एंड टी लीव्स, है ये कैसे होते हैं सर, ये होते हैं बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल है, तो क्या किया जाए सर, एक काम करो ना, इसको क्या करो, इसको ना मैन्यूर्स में, इसे आपका जो है कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए, जो खाद ना खाद, खाद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और तीसरा क्या है, शॉर्ट आउट एक मटेरियल ऐसा बताओ जो बहुत ही खतरनाक है हमारे एनवायरमेंट के लिए, वेरी सिंपल सर, कौन सा, वैसे बहुत सारे इसमें, वैसे मैंने ले लिया, कौन सा मैंने ले लिया आपका, हाँ यस, आपका जो है ये वाला, ठीक है, पॉलिथीन बैग्स, हाँ पॉलिथीन है, बिकॉज क्यों, रीजन क्या, बिकॉज ये कैसा आपका, ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, परफेक्ट है, फ्री के मार्क्स से, और कुछ भी नहीं करना था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, नेम द स्ट्रक्चर इन आवर किडनी विच एक्ट एज द बेसिक यूनिट्स ऑफ वेस्ट रिमूवल, ऑब्वियसली किडनी है, लेकिन किडनी के स्ट्रक्चर्स का पूछा गया है, तो आंसर क्या, आंसर के चैप्टर आंसर बोलो क्या अभी पास, यस सर, आंसर आपका ये किसका स्ट्रक्चर है सर, ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, एंड डोंट वरी, मैं ज्ञानिकीडा के प्लेटफॉर्म पे जल्दी लेके आऊंगा डायग्राम की सीरीज, जहां पर आपके बायोलॉजी के डायग्राम जितने इंपॉर्टेंट है उसको एक ही शॉट में कराता हूं, परफेक्ट है। इसका आंसर क्या था, आंसर सिर्फ नेफ्रॉन्स है, और क्यों, इसके जो स्ट्रक्चर बहुत ही कॉइल होते हैं, देखो आपको सोचो, आपको जिस दिख रहा है, देखो यहां से यहां से यहां से बहुत ज्यादा कॉइलिंग होती है, तो एक की बात करो ऐसे बहुत सारे होते हैं, क्यों, देखो बिकॉज यहाँ पर ना तीन मेजर स्टेप्स होते हैं, ये इसलिए कॉइलिंग ज्यादा होती है, ताकि पहली बात तो ये कि आपका आपका जो ट्यूबुलर आपका जो सॉरी आपका जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है आपका जो आपका जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तीन जो स्टेप्स है ना, अल्ट्रा कौन कौन से, कि सर आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और साथ में जो रीअब्सॉर्प्शन है, रीअब्सॉर्प्शन, और ये तीनों होते हैं, और आपके पास जो सीक्रेशन है, वो तीनों एक एफिशिएंट वे में हो सके, तीनों के तीनों आपके एफिशिएंटली एक वे में हो सके, तो ये जो पार्ट है, यहाँ ग्लोमेरुलस, यहाँ फिल्ट्रेशन होगा, फिर यहाँ पर जो पार्ट, और यहाँ पर क्या होगा, सीक्रेशन, सॉरी रीअब्सॉर्प्शन होता है, और जो एंड का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर क्या होता है, सीक्रेशन होता है। अच्छा चलेगा, ड्रॉ इट्स डायग्राम एंड लेबल एनी टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, दिखा दो कि सर ये रहा ग्लोमेरुलस जो ट्यूब है, और इसके बाहर जो है कप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे क्या बोलते हैं, इसे बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं, और वैसे दिखा दो ये रहा, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है, लेकिन कोई से भी दो है, दैट्स द परफेक्ट आंसर है। और ध्यान देना, पूछा जाता है कि यूरिन फॉर्मेशन में मेजर तीन स्टेप्स कौन कौन से हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर रीअब्सॉर्प्शन, फिर आपका सीक्रेशन, चलेगा परफेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30th की तरफ, क्या कह रहा है आपके, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है आपसे, क्या कह रहा है, आपके पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या कर रहा है, क्लासिफाई इट इन टू वेज है, तो यहाँ पर हुआ क्या कि सर यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि इस AL है ना, इस AL को, इस AL ने क्या किया, इस MN को डिस्प्लेस कर दिया ना, इस MN को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो मुझे बताओ क्या मैं इस रिएक्शन को, क्या मैं इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर कंसीडर कर सकता हूं, तो आंसर क्या, यस सर कर सकते हैं, दैट्स द आंसर, कि सर ये बोलो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, परफेक्ट है। और सेकंड ध्यान से देखना, ध्यान से कि है क्या, यहां पर MnO2 है, ठीक है, प्लस में आपका AL है, और यहां पर आपके पास MN है, प्लस में आपका Al2O3 है, अब यहां पर क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज, यहां पर MN का चार्ज है प्लस का 4, या फिर यह छोड़ो, या ये छोड़ो, आप ऑक्सीडेशन स्टेट छोड़ो, आप सीखो क्लास 10th के हिसाब से, बहुत सिंपल है, देखो क्या है, आप यहां से यहां पर आ जाओ, क्या हुआ, ऑक्सीजन चला गया, तो ऑक्सीडाइज हो गया ना आपका, क्या चला गया, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडाइज हो गया, और ये आपके पास AL है, और यहां पर आ जाओ, ये क्या हो गया, हाँ नहीं सर गलती कर रहे हो आप, ये रिड्यूस हो गया, ये बोलो क्या हो गया सर, ये आपका रिड्यूस हो गया, ये आपके पास ये रिड्यूस हो चुका है, और ये क्या हो गया बेटा आपका, ऑक्सीडाइज है, और एक ही रिएक्शन पे अगर एक रिड्यूस हो जाए और एक ऑक्सीडाइज हो जाए, ऐसे रिएक्शन को क्या मैं रिडॉक्स के अंदर कंसीडर कर सकता हूँ, यस सर, तो बोलो क्या है कि रिडॉक्स भी है और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी है, नीचे वाले में क्या पूछा हुआ है, रीजन है, तो क्या बोलोगे कि सर देखो डिस्प्लेसमेंट इसीलिए बिकॉज यहाँ पर एल्युमिनियम जो कि ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीज से डिस्प्लेस कर दिया, और सेकंड वाले में क्या हुआ, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस है, तो जब दोनों सिमल्टेनियसली टेक प्लेस करते हैं तो ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर कंसिडर किया जाता है। बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, क्या कह रहे हैं, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एटम्स है। जब अकेले अकेले हो तो सिर्फ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दो। मैग्नीशियम का जेड कितना होता है सर? मैग्नीशियम का जेड, और आपका जेड बोले तो क्या, जेड बोले तो एटॉमिक नंबर। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है चौका? 12 ना, अगर 12 है तो बाटो के एल एम चलेगा, 282 परफेक्ट है, यस सर। और ऑक्सीजन से क्या आपका 8 होता है तो के एल एम बचा क्या, 2 और 6 चलेगा। इसके वैलेंस कितने आपके 2 और इसके 6, बस इसी को दिखा दो बेटा, या एम जी दिखा दो, और सिर्फ इसके पास जो है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और इस ओ के पास है तो बोल क्या 1 2 3 4 5 6 और 6 ना, आप डॉट या क्रॉस दोनों से दिखा सकते हो। और नीचे क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन द आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, मीन ट्रांसफर होगा किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सबसे पहले क्या लिखा, फॉर्मूला, इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि आपको कितने मैग्नीशियम चाहिए, कितने ऑक्सीजन है। क्या सीखा कि सर एक तो मैग्नीशियम चाहिए, एक ऑक्सीजन है, तो Mg ना, Mg क्या होता है, 282 परफेक्ट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो ये 282 तो रहेगा नहीं, क्या बच जाएगा आपका, 2 और 8 है, 7 में 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, चलेगा, यस नो, क्या है। उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन जो कि 2 और 6 है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा, O2 माइनस है जो कि 2 और 8 है ना। अब इसको दिखाएं कैसे, इसको दिखाएं कुछ इस तरीके, देखो क्या है, ये Mg है, Mg के पास ये रहा और ये O है, 1 2 डिफरेंशिएट करने क्रॉस दिखाया, 2 4 6 और यहां से गया इसके पास, यहां इसके पास है और Mg बन गया क्या बेटा, ये 2+ बन गया, और आपका जो O है, O ना, O क्या बन गया आपका 1 2 3 4 5 6 और 2 को दिखा दो किससे, ग्रीन से, अच्छा 1 सेकंड, और ये रहा, ये रहा, और ये 2 माइनस, दैट्स योर आंसर। और कोई ये पूछे कि बताओ क्या इसका एक्वेस सॉल्यूशन आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करेगा, इसका आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने। ओके 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 ओके, मुझे एक काम करो, पहले उसका स्क्रीनशॉट लो, सब बच्चे का स्क्रीनशॉट लो, मैं उसका रब कर रहा हूं, ले लिया, चेक है, अब इसको रब करो, बिकॉज यहां पर ना, और चलिए सब ले लिया, यहां पर ओवरलैप, ठीक है, अगर नहीं तो वीडियो पॉज करके फिर लेना, ठीक है, चलिए 1 सेकंड इसको डाल देता हूं, यहां पर एक क्वेश्चन एक और है, इसी के और में था वो ओवरलैप हो गया, 1 सेकंड, चलो 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 चलो, क्या है, और क्या बोला आपसे, आपसे बोला हुआ है, ओके, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ द सेटअप ऑफ द एक्टिविटी टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, वेरी सिंपल जी, है ना, आपके पास क्या है, आपके पास ये रहा, ये स्टैंड है, आपने क्लैंप से अटका रखा है और यहाँ पर बर्नर है, हीट किया, तो जो मेटल वायर है, अगर ये नॉन मेटल होता तो पक्का ये ना बर्न हो जाता, पक्का ये बर्न हो जाता, या फिर आपका सपोज क्या बर्न है, या फिर हीट को कनेक्ट नहीं करता, बर्न ही हो जाता, जैसे लकड़ी बर्न हो जाती है, जल जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब इसे गर्म करोगे ना तो कुछ देर बाद यहाँ पर जो बंदा बैठा होगा, यहाँ पर जो हीट है ऐसे फ्लो कर जाता है इस तरीके से ना, तो यहाँ से दिखाना था कि गुड कनेक्टर परफेक्ट है। मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ऑब्वियस बात है, मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन दो मेटल्स का एग्जाम्पल दो जो कि एक्सेप्शन है, वेरी सिंपल सिंपल, क्या आपका सर, एक तो हो गया बोलो क्या, मरकरी, एक तो मरकरी है परफेक्ट आपका Hg है, और एक बोलो क्या सेशियम भी हो सकता है, सेशियम भी हो सकता है, और बोलो क्या आपका गैलियम भी हो सकता है परफेक्ट आपका, बहुत सारे ऐसे तो जो देना आपको, तो मरकरी सेशियम गैलियम है, कोई से दो दे देना, दैट्स द परफेक्ट आंसर। बढ़ते हैं, और हाँ पूछा जाए ना, और हाँ ऐसा कौन सा नॉन मेटल है, अगर आपसे कोई पूछे ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पर होता, तो आंसर क्या हो जाएगा उस समय सर, आंसर हो जाएगा बोलो क्या, यस परफेक्ट, बच्चे बोलो क्या, ब्रोमीन, चलेगा, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, क्या कह रहा है, एलिमेंट्स एक्स एंड वाई हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, बहुत ही फेवरेट चैप्टर है मेरा और आपका ही होना चाहिए, कि एक्स कितना, 2 8 6, वेरी सिंपल, और ये आपका 2 8 3 है, क्या होता है, विच ऑफ देम इज अ नॉन मेटल है, तो वैलेंस कितने हैं इसके, 6, पक्का एक्सेप्ट करेगा, तो आंसर क्या है एक्स, क्यों, बिकॉज सर इट विल एक्सेप्ट क्या, इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट क्या, नोबल, ताकि क्या हो जाए, ताकि नोबल गैस कॉन्फ्यूग्रेशन को अचीव कर ले, नोबल गैस कॉन्फ्यूग्रेशन को क्या कर ले आपका, अचीव कर ले, चलेगा। सेकंड क्या बोला हुआ है, टू विच पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डू ईच, कौन सा पीरियड है, कितने शैल लगे, चलो एक्स में कितना आपका, एक्स में 2 3 ना, तो पक्का ये 3rd पीरियड से होगा, चलेगा सर, दौड़ेगा, और आपके पास जो वाई है बेटा, वाई वाई के पास कितना, 3 शैल है, पक्का ये भी कितना आपका 3rd पीरियड से, ठीक है, परफेक्ट है। और क्या पूछा हुआ है, कंपेयर द एटॉमिक रेडियस है, तो देखो इसके पास भी 3 शैल है, लेकिन एक्स के पास वैलेंस ज्यादा है, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होना इस चैप्टर, चलो अगर आपको इस चैप्टर कोई दिक्कत है ना, इस चैप्टर बहुत ही इजी समझाया हुआ है,
बैलेंस बढ़ रहा है तो आपका न्यूक्लियर भी क्या बढ़ेगा सर, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना साइज का घटना है ना, साइज घटेगा तो सर पक्का एक्स छोटा होगा वही बढ़ा ना, एक्स छोटा और वही आपका बड़ा होगा, दैट्स द परफेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। इन द गिवन डायग्राम ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट ए बी व्हेन मूव्स। ओके ओके चलिए आपके साथ फिगर दिख रहा है, यहाँ पर क्या करना है आपको पाथ को ट्रेस करना है। सब यहाँ जाओ, देखो क्या हुआ, अब ये लाइट आएगी यहाँ पर, देखो पहले क्या था, पहले था रेयर एयर और फिर था ग्लास, तो रेयर से डेंसर क्या होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, अब क्या होगा सर अब आएगा ऐसे 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 तो नॉर्मल ना। अच्छा वन सेकंड पहले आप क्या करो इसको आगे बढ़ा दो, इसको पहले वहां ले जाओ, इसको इंटरफेस तक ले जाओ, बिकॉज यहां तक कुछ रिफ्रेक्शन नहीं होगा, लेकिन जैसे वो इस इंटरफेस में पहुंचेगा अब लाइट कहां से कहां जाएगी, कहां से कहां बेटा, यस बोलो कि ग्लास से एयर है तो ऐसे होगा, अब बताओ क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल के टुवर्ड्स, यस बच्चा क्या है अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, और इसको ना एक्स्ट्रा ये ऐसे 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 ऐसे, और दोनों कैसे होने चाहिए, दोनों आपके पैरेलल टू ईच अदर, वैसे स्केल से बनेगा तो पैरेलल होंगे ये कैसा, और इसी को ना इसी को जो शिफ्ट हुआ इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला आपसे, आपसे बोला हुआ कि ठीक है शो करो लैटरल डिस्प्लेसमेंट कर दिया, और ड्रॉ अ फिगर ट्रेसिंग द पाथ वेयर इंसिडेंट रे फॉल्स। ओके अब सेकंड क्या कह रहा है, मान लो क्या है इस सरफेस में कुछ ऐसा कि ऐसा ऐसे अगर रे ऑफ लाइट ऐसा ना तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा आपका वो ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा, तो यहाँ पर नो रिफ्रैक्शन, यहाँ पर नो रिफ्रैक्शन डेविएट होगी नहीं, और यहाँ पर दोनों ही जीरो होंगे आपके, एंगल आई और एंगल आर दोनों ही क्या होंगे जीरो डिग्री, हाँ या ना, हाँ या ना, यस सर। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जब रेनबो बनता है तो रेनबो के बनने के टाइम पे तीन मेजर स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से, आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन पे। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 34 थे, और यहाँ से क्या चालू हो गया सर, यहाँ से बायोलॉजी चालू हो गई है, और यहाँ से 5 मार्क्स भी चालू हो गया, बायोलॉजी वैसे भी था 5 मार्क्स सेक्शन भी चालू हो गया। ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेबल द पार्ट्स वेयर। ओके क्या बच्चे आपका एग बन रहे हैं, ऑब्वियस बच्चे एग कहाँ बनेंगे आपके ओवरी में, फर्टिलाइजेशन, ये पी वाई क्वेश्चन बहुत बार किया है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस मतलब स्पर्म और ओवा कंबाइन करेगा वो फेलोपियन ट्यूब में, या इसी को ओविडक्ट्स बोलते हैं, और चप क्या है, और आपके पास क्या बोला हुआ है एम्ब्रियो क्या होगा आपका इम्प्लांट होगा, वो कहाँ चपका, वो कहाँ पर यस आपका परफेक्ट है यूटेरस में होगा। और क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय फीमेल फिटिसाइट, व्हाट इफेक्ट डज इट हैव ऑन आवर सोसाइटी, है ध्यान से देखा जाए, इसी को बोलते हैं फीमेल फिटिसाइट। ध्यान से देखो है क्या कि सर जो मदर है ना, मदर का जो फीटस है, जो फीटस को मदर के यूटेरस में ही किल कर देना, द एक्ट ऑफ किलिंग फीटस इनसाइड द मदर्स वॉम या यूटेरस इज कॉल्ड फीमेल फिटिसाइड। क्या होगा इससे, पहली बात तो बहुत ही बेशरम एक्ट है, बहुत ही बेकार एक्ट है, बिकॉज आजकल गर्ल और बॉय दोनों ही इक्वल है, दोनों को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, पहले बहुत था जब इलिटरेसी ज्यादा थी, अब यहां से क्या होगा अगर ऐसा हो रहा ऐसा रहा तो ऐसे में जो बॉय और गर्ल है मतलब जो मेल और फीमेल का जो सेक्स रेशियो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, पॉपुलेशन में एक नियंत्रण नहीं आएगा, तो कुछ ऐसी बातें हैं, तो ये बहुत ही अब तो बैन हो गया, अब तो इलीगल है, तो ऐसे इंसान को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए कमेंट सेक्शन जरूर बताना। तो मेरे हिसाब से जेल जेल का इतना मारा बटा भट बटा भट लपेट लपेट है थप्पड़ते हैं थप्पड़, ठीक है ये सुनो क्या है, अब बढ़ते हैं इसी के और में था, राइट एनी थ्री पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट टेक प्लेस इन फ्लावर्स है। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल फिगर है, क्या फिगर नहीं चाहिए यहाँ जाओ, तो आपसे है क्या आपका क्या हुआ सर, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है, जो आपका जाइगोट है, जाइगोट डिवाइड करता सेवरल टाइम्स और क्या बन जाता आपका एम्ब्रियो बन जाता चलेगा, उसके बाद जो ऑव्यूल था, ये की पॉइंट ठीक है, ऑव्यूल जो है इसके बाहर क्या आ जाता है, इसके बाहर सीड कोट आ जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये सीड में, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो ओवरी है, ओवरी राइपन्स होगा पकेगा और किसमें आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो की पॉइंट है, इसी को लैंग्वेज में लिखना चलेगा, और बाकी जो पार्ट्स थे वो सब शेड ऑफ। When you touch the thick growth of fungi on a bread, बहुत ही ब्रेड के ऊपर जो फंगी है ना, जो बहुत ही छोटे छोटे ना, तो जब इसे टच करेंगे टाइनी पार्टिकल्स है, इसे क्या बोलते हैं सर, इसे तो स्पोर्ट्स बोलते हैं ना, इसे तो आपका स्पोर्ट्स बोलते हैं, कुछ याद आया, यस आपका राइजोपस के स्पोर्ट्स है ना, राइजोपस के स्पोर्ट्स हैं, और नेम दिस पार्टिकल्स हैं, तो आप बोलोगे स्पोर्ट्स ऑफ राइजोपस, और क्या रोल है, यस ये जो स्पोर्ट्स हैं, जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगे, तो वहां से एक नया जो है राइजोपस बन जाएगा। इसे क्यों सीड से कंपेयर या कैटेगराइज नहीं करते, कुछ सिंपल सी बात है, देखो सीड तब कहोगे, सीड तब कहते हैं जब ये किससे हुआ, जब का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सीड नहीं बनेगा। लेकिन इस वाले केस में क्या है भैया, ये तो राइजोपस के छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक है, ये मत सोचना, देखो यहां से भी नया प्लांट बनेगा, यहां से भी नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, लेकिन इस वाले केस में क्या है, जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स आर नॉट द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट नहीं है, मतलब फर्टिलाइजेशन बाद नहीं बनाए, लेकिन जो सीड है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनाए, और जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा उसी को आप सीड कह सकते हो।
आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। रीजन देना है, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ अ बेस कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियस ही बात है, आपने क्या किया, NaOH है तो NaOH का आपने एक्वस लिया। अगर एक्वस लिया तो सर पक्का यहां पर Na आयन होगा, प्लस में OH माइनस होगा। अगर दोनों आयन हैं तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? यस सर, बिल्कुल करेंगे, बिकॉज आयन आगे ना, दे फर्निश आयन इन द एक्वस सॉल्यूशंस दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड क्या है, ड्राई लिटमस पेपर डज नॉट चेंज इट्स कलर। ऑब्वियस ही बात है, आपके पास लिटमस है ड्राई है और आपके पास जो HCl है वो भी गैस की फॉर्म में, दोनों ड्राई है, तो जब तक HCl, जब तक तुम HCl को एक्वस नहीं दोगे तो H प्लस और Cl माइनस नहीं बनेगा। अगर H प्लस नहीं बनेगा तो क्या होगा सर, एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे ही नहीं। तो यहां पर क्या होगा, देखो कि सर ड्राई लिटमस के केस में एब्सेंस, ड्राई के केस में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ H प्लस आयन, ठीक है, तो नो चेंज। लेकिन जो वेट लिटमस है वहां पर क्या होगा, प्रेजेंस है, और प्रेजेंस है तो H प्लस आयन है, मतलब वो दिखाएगा। नीचे क्या, सोर सब्सटेंसेस आर नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स, क्यों, बिकॉज सोर के पास क्या होते हैं, एसिड है, और एसिड क्या करते हैं, मेटल्स से कंबाइन करके ज्यादा रिएक्शन देंगे, सॉल्ट प्लस में H2 है तो टॉक्सिक सब्सटेंस का फंक्शन करते हैं। इसीलिए आ जाओ, वाटर शुड बी नॉट बी एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड में, देखो याद है, देखो ए है और यहाँ पर क्या ये एसिड है, ठीक है, और एक तरीका बोलो क्या, वाटर को ऊपर ऐड कर रहे हो, और एक तरीका क्या है सर, एक काम करो वाटर को नीचे ले लो और एसिड को ऊपर से ऐड करो। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, बहुत ही सिंपल है सर, ये वाला जो है ना, ये आपका जो ये वाला तरीका है, ये बहुत ही ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक है, और इतना एक्सोथर्मिक होता है कि इस केस में इतना एनर्जी बनेगा कि आपका जो कंटेनर है वो फट भी सकता है, और बाहर का जो सोल्यूशन है इसके अंदर का वो स्प्लैश होगा, तो इसीलिए ये आपका डेंजरस है, नहीं करते हैं। और लास्ट में कह रहे हैं द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मतलब आपके पास क्या है, कितना सिंपल है, एक एक मार्क्स के पॉइंट लिखने, पांच पार्ट है, मेटल ऑक्साइड प्लस में एसिड है, कह रहे कि इसको न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं, वेरी सिंपल, न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि सर एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर है, तो मेटल के ऑक्साइड, सोचो 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 मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है सर, बेसिक है, तो अगर बेस है तो बेस प्लस में एसिड क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर है, तो आप बोलोगे कि सर वेरी सिंपल कि आपका मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो बेस कंबाइंस विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दैट्स व्हाई दिस इज कंसीडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और हम बढ़ चुके हैं, और इसी के और में था, इसी के और में था, क्या कह रहा है, इसी के और में था, क्वेश्चन क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज टेकन एज अ रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर अस बेसिक सॉल्ट ए, जो कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल हो रहा है। कुछ याद आया, ये पक्का क्या है, पक्का ये आपका Na2CO3 डॉट आपका 10H2 चलेगा, है ना, ये सुनो क्या आपका, नहीं नहीं आपका नहीं चलना, सो सॉरी ये ऐसा नहीं है, ये आपका NaSCO3 ना, ये आपका NaHCO3, सो सॉरी माय डियर, ठीक है आपका, ये आपके पास है NaHCO3, परफेक्ट है, हाँ ना बोलो क्या, यस ना, ठीक है। तो होता है कि आपका, आपके पास है क्या, देखो आपके पास है, जब जब हम क्या करते हैं, जब हम NaCl का, जब NaCl का एक्वेस सॉल्यूशन लेते हैं, आपको याद आया, सबको याद, सबको याद है कि NaCl की एक्वेस सॉल्यूशन में को जब प्लस में वाटर है, और यहां से क्या पास करवाते हैं, यहां से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है, तो क्या बनेगा आपका, आपका बनता है NaOH प्लस में Cl2 बनता है, प्लस में आपका H2 बनेगा, याद है सबको, याद है, यस सर, ये गैस, ये भी गैस, और ये आपका एक्वेस सॉल्यूशन है, और ये आपका लिक्विड है। अब जो ये NaOH बना है, इस NaOH की वजह से, इस NaOH को जब भिड़वाते हैं किससे बेटा, है ना, आपका H2O से, प्लस में CO2 से, प्लस में आपका NH3, तो क्या बन जाता है, ये बनेगा आपका NH4Cl, प्लस में आपका बनेगा, यस यस, ये रहा, ये बनेगा आपका NaSCO3 है, जिन्होंने चैप्टर 2 पढ़ा होगा वो अच्छे से आ रहा होगा, ये सुनो क्या परफेक्ट है। और जब इसको हीट करते हैं, जब इस NaHCO3 को हीट करते हैं, क्या बनता है बेटा आपका, ये बनेगा Na2CO3 प्लस में आपका, प्लस में आपका CO2 प्लस में आपका H2 है। जो बेसिक सॉल्ट A है, जो A है बेटा वो कौन सा आपका, वो A है, A तो चाहिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और आपके पास जो हीट किया B जो बना, इसको A को हीट करने में जो B बनेगा वो कौन आपका, वो कौन है आपका, वो कौन है आपका, ये सोडियम कार्बोनेट है, और नेम ऑफ सॉल्ट A भी नाम होता है, नाम ना चाहिए तो A का आंसर क्या होगा, A का आंसर है ये रहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और इसी का जो बी का सॉल्ट है, बी ना बी जो बी है, अच्छा बी बोलो क्या, बी आपका बी से आपके पास है Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और राइट द केमिकल, ये रहे केमिकल रिएक्शंस है, और CO2 गैस इवॉल्व रिलीज ऑन हीटिंग ए सब समा, जो ये CO2 बनता है ना, ये CO2 क्या करेगा, बिकॉज इसका इस्तेमाल किया था आपके केक में, तो जो CO2 है ना, CO2 वो क्या करेगा, सब प्लफ करता है, जब बेक करेंगे तो CO2 बनेगा, तो उसे थोड़ा स्पॉन्जी सा बनाए थे, तो इसे स्पॉन्जी ने सहाय थे, ठीक है। और लास्ट के राइट वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कंपाउंड बी, तो कंपाउंड बी का यूज क्या है, मुझे आंसर जरूर देना, कमेंट सेक्शन में दोगे ना, यस सर देंगे। अब आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ,
क्या होगा, ये कुछ ज्यादा ही है क्या? सर यहाँ पर ये जो है ये मैग्नेट है, जब इस मैग्नेट को इसके पास लाते हैं तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होती है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या होगा, इस जो कॉयल है इस कॉयल में क्या बनता है, इस कॉयल में करंट बनेगा। और कैसे पता चलेगा, बिकॉज जो गैल्वेनोमीटर नीचे लगा हुआ है उसमें क्या आएगा बेटा, उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। परफेक्ट है, यस नो? क्या है तो ये क्यों होता है, आप कर क्या रहे हो, आप मैग्नेटिक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से, आप चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से करंट को इंड्यूस कर रहे हो। और इसी इसी प्रिंसिपल को बोला जाता है, बोलो क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बोलो क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चलेगा है ना? यस। नेम द डिवाइस कनेक्टेड टू द कॉइल, यस यस यस। बोलो क्या, आपका क्या है, आपका बोलो क्या है, गैल्वेनोमीटर है। क्या इसका फंक्शन है, क्या फंक्शन है सर, ये ना करंट को, ये करंट को डिटेक्ट करता है, करंट को डिटेक्ट करेगा। एक तो करंट क्या करेगा सर, एक तो स्ट्रेंथ को, एक तो स्ट्रेंथ कितना है, और साथ में क्या, साथ में आपका साथ में डायरेक्शन को भी नापता है। परफेक्ट है। तीसरा क्या है, क्या होगा अगर कॉयल और मैग्नेट दोनों ही स्टेशनरी हो जाए, तो सर अगर देखो, अगर इसको भी स्टेशनरी, इसको भी स्टेशनरी, तो नो करंट विल बी इंड्यूस है, एंड दैट्स नो करंट विल बी इंड्यूस, चलेगा ये? सुनो क्या है, जो मेरे आपसे एक क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर स्टेशनरी ना, अब मैं आपसे ये बोलो कि चलो इसको और इसको दोनों को मूव कर रहे हैं, देखो ये ऐसे, देखो ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे देखो ऐसे साथ साथ ऐसे, तो इस केस में क्या करंट इंड्यूस होगा, जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे। और इस तरीके से आपने सैंपल पेपर 2 को कंप्लीटली ओवर कर दिया, मजा आ गया, हर एक क्वेश्चन को ग्रेट डिटेल डिस्कस किया। जो बहुत सिंपल सा है, सिलेबस कंप्लीट कर लो, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ना क्वेश्चन करते से बहुत मजा आएगा। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो ऐसा लगेगा कि भैया यार इसमें कुछ ना रटना पड़ना, आप सिलेबस कंप्लीट करो, पीवाईक्यूज करते जाओ, सैंपल पेपर करते जाओ, लगने वाली आग इस बार सीबीएसई में ज्यादा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वहां पर क्या करेंगे, सैंपल पेपर 3 को, और पीवाईक्यू सीरीज में 2019 तक हो गया, 2020 भी जल्द ही आने वाला है, उसके बाद बहुत सारी स्पेशल वीडियोस हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पे या टेलीग्राम पूछना, और साथ जितने भी क्वेश्चन पूछे उन सभी के आंसर दे देना, और वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगी है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।